बल्ब की कैपेसिटी है 60 वोल्ट का, 40 वोल्ट का, 50 वोल्ट का, उसको कितना भी फूकना तू, वो उतना ही रहने वाला है, राइट या रॉन्ग है? है ना? ऐसा बहुत सारे बल्ब यहाँ पे भी है, उसको साला कितना भी फूकेगा तो बाद में 40 का ही लाइट देते हुए जाएगा वो। हाँ, ऐसे बहुत सारे, ऐसा बहुत सारे लोग जो है ना मानेंगे नहीं कि मैंने कुछ सीखा, वो ऐसा बिलीव किया, ऐसा विश्वास है कि मेरे को कोई कुछ सिखा सकता ही नहीं। तुम बोलते हो ड्रीम, ऐसा तो बहुत देखा है अपन, ऐसा थोड़ी होता है, फड़ है ना, ऐसा होता है कि नहीं, है ना? तो आमिर खान ने क्या किया था फ्रेंड्स, मैं आपको ये एग्जांपल है ना, मुझे बहुत अच्छा लगा ये पिक्चर का, बाकी मैंने कुछ नहीं देखा, लेकिन इसके अंदर ये एग्जांपल मुझे मालूम पड़ा फ्रेंड्स। इसीलिए मैं बोलता हूं लक नाम का चीज ये दुनिया में नहीं। आपने देखा फ्रेंड्स, उसने वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया, सोचा अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया, तुरंत ही लोगों ने क्या बोला, तुमको भी बोलते हैं ना घर वाले, ए नको नको काय करा ऐसा नहीं, हाँ मयूर, जिग्नेश, हितेश, साले दुकान बना के दिया ना तेरे को, गुजराती में क्या बोलते उधर बैठने को बोलने के लिए, हाँ त्याज आई नहीं बेस, राइट रॉन्ग है? साला सुनते ही नहीं है कि ये अपॉर्चुनिटी क्या है एग्जैक्टली, तुरंत बोलता है। अपन जाते हैं घर पे तो अपना बापू कह रहे काय जाला भेटला का कोई, ये डायलॉग मतलब देखते भी नहीं है कि बच्चा क्या कर रहा है, क्या होता है, ये सब लोगों को कुछ मालूम नहीं है, तुरंत ही बोलते हैं कि नहीं 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 नहीं। आमिर खान ने क्या किया, वो अपॉर्चुनिटी को लिया और खेला मैच, राइट या रॉन्ग है? और जब भी उसने खेला तुरंत ही गांव वाले आके उसकी बैंड बजाने के आ गए। अच्छा उसके गांव वाले नहीं, साले सारे पूरे प्रांत के आ गए, तुम्हारे लिए भी आएंगे, ऐसा सोचना मत। पर्पस डिसाइड किया तो सब अभी मस्त मस्त हो जाएगा, साला पर्पस लेके घर पे सुबह सोते बैठा हुआ है, उठ ही नहीं रहा है, हाँ तो पर्पस भी कुछ काम का नहीं है, समझ में आ रहा है? बोला इतना पॉजिटिव आदमी, इतना स्ट्रांग आदमी, जिससे बात करो तो अपन मोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन साला सुबह उठता ही नहीं है तो फायदा क्या है, राइट या रॉन्ग है? पर्पस बहुत स्ट्रांग है, इतना पॉजिटिव है ना, ऐसा भी होता है ना। अब फ्रेंड्स उसने वो मैच खेला, बचे कि नहीं वो लोग ऊपर वाले, क्या बचे ना? उसने वो मैच खेला, वो लोग बच गए। अब फ्रेंड्स अगर उसने वो नहीं लिया होता, बोले नहीं अपने को तो ये सब कुछ आता नहीं है, अपने को सहवाग और तेंदुलकर देगा तो ही अपन खेलेगा, नहीं तो अपने को खेलने का नहीं है, अगर ऐसा सब डायलॉग मारा होता। क्योंकि मैं इसमें से एक चीज सीखा फ्रेंड्स, मर जाते ये लोग, मरने के टाइम पे वो मुखिया को पूछता, अपने भी घर पे एक मुखिया है संभाल के रहना उससे, हाँ वो मुखिया को पूछता, मुखिया आज तक चैनल से हूं, बताओ तुम कामयाब क्यों नहीं हुए? मुखिया क्या बोलता, का करी हमार नसीब ही साला, क्या करेगा, हाँ क्या करेगा झांडू, जब नसीब भी, हाँ बस बस, समझ में आ रहा है? लक क्या है, लक क्या है, समझ में आ रहा है ना आपको? हाँ हाँ वही होता है फ्रेंड्स। मैक्सिमम लोगों के सामने अपॉर्चुनिटी आती है तो अपन क्या बोलते हैं मालूम है, अपॉर्चुनिटी तो समझ गए अपने को आरएमपी, अब क्या बोलते हैं, सचिन तेंदुलकर लेफ्ट में चाहिए, सहवाग राइट में चाहिए, तो ही मैं क्रिकेट खेलेगा, राइट या रॉन्ग है कि नहीं है? है ना? अच्छा आदमी तेरे को ढूंढ के आना चाहिए, तू नहीं जाएगा। अच्छा ये सोचना ऐसा कौन सा काम कर रहा है जिसकी वजह से अब मेरे को लाख रुपया आना चाहिए, क्योंकि लाख रुपया बाहर के मार्केट में कितना तकलीफ से आता है मालूम है, और इसको आरएमपी में आया तो धना धन चाहिए, सबको आ रहा है ना तो मेरे को क्यों नहीं, मैंने क्या किया, समझ में आ रहा है? चार आदमी से मिलने का हैसियत नहीं है। मदर टेरेसा का एक बहुत अच्छा मैसेज मुझे आया था जो मेरे वाइफ ने मुझे बताया, भगवान उन लोगों को वो नहीं देता है जो वो लोग डिजर्व नहीं करते, समझ में आया, जिसको वो लोग हैंडल नहीं कर सकते। अगर अपने पास में बिलीव करना फ्रेंड्स, वो सारी चीजें नहीं है ना, महीने का 2 लाख, महीने का 5 लाख, महीने का 15 लाख, या वो बड़ा घर, या वो बड़ी गाड़ी, या अपना सपनों का, इसका मतलब ये है कि अगर वो दिया ना तो भी हैंडल नहीं कर पाएंगे हम लोग। लॉटरी लगने के बाद में आपने लोगों को गरीब होते हुए देखा है, देखा है ना लोगों को गरीब होते हुए, क्योंकि साला 1 करोड़ उसको हजम करने का औकात ही नहीं था, उसको दे दिया तो क्या करेगा वो, समझ में आया? तो पहले ऊपर वाले को प्रूव करना पड़ता है कि मैं डिजर्व करता हूं, मैं वो सारी चीजें करता हूं, मैं वो सारी चीजें करता हूं जो एक 5 लाख 10 लाख कमाने वाले आदमी करते हैं, मैं रोज पूजा नहीं करता हूं लेकिन काम करता हूं, समझ में आया? जब लोग बैठे रहते थे ना घर पे, उस टाइम पे अपन जाके डोर नॉक करता था, जब लोग अपलाइन को ब्लेम करते रहते थे ना, उस टाइम पे अपन सोचता था कि यार अपन किस तरह अपलाइन को प्राउड फील कराए, जब लोग है ना साला दूसरे कंपनी में इधर उधर देखते थे ना,
तब अपन एक ही साला कंपनी में एक चीज के बारे में मालूम पड़ गया कि नेटवर्क मार्केटिंग का सिस्टम तो एक ही है, कमी कंपनी में नहीं, कमी मेरे में, मैं अपने अंदर सुधार लाऊंगा, ये सोचता था। और फिर अपलाइन से ना ये भगवान से ना फेस टू फेस बैठ के बात करता था कि देख आरएमपी में 100 लोग, उसमें से अपने जैसे कितने, तो भगवान बोलता था 3, तो मैं बोला देना फिर, समझ में आया, तब देता है कि हाँ बेटा तेरे को तो देना पड़ेगा क्योंकि बाकी सारे तो आड़े टेढ़े, नेटवर्क मार्केटिंग का रेशियो है, समझ में आया। तो ये सारी चीजों के लिए है ना फ्रेंड्स, बहुत सारी चीजें लगती है, नहीं तो ऐसे ही लॉट में सबको सब कुछ देने लगा ना तो फिर हो गया काम, क्लियर हो रहा है। तो डिसाइड करो कि हम लोग 100% कमिटेड है कि नहीं फ्रेंड्स, राइट। हाँ जब कमिटमेंट की बात आती है ना फ्रेंड्स, पर्पस डिसाइड किया, मकसद डिसाइड किया, मकसद डिसाइड किया, उसके लिए सारी चीजें करने के लिए रेडी हो क्या पागलों की तरह कमिटमेंट से? ओके फ्रेंड्स, जब कमिटमेंट की बात आती है ना तो चार जात के लोग होते हैं। एक होता है कॉप आउट, कॉप आउट का मतलब पीपल हु हैव नो गोल्स नो ड्रीम्स डू नॉट कमिट, जिनके पास साला जिंदगी के अंदर कोई मकसद नहीं है, इनके खानदान में वो परंपरा चलते हुए आ रही है कि मैं हाथी हूं बेटा तू भी हाथी है, अपने बापू ने सिखाया कि अपना अपना खानदान है ना कभी चेन तोड़ता नहीं है, तो तू भी मत तोड़ना साला, आड़े टेढ़े जगह पे हाथ मत डालना, कोई पर्पस वर्पस कुछ नहीं होता है, अपन एकदम सीधा आदमी बूंदी का लड्डू बन के घूमते रहने का मार्केट में, जो बॉस बोला वो करते रहने का, अपना कर्म धर्म कर्तव्य यही है। तो ये लोग साला जिंदगी में मकसद उठाते नहीं है क्योंकि मकसद उठाने में ना चैलेंज लगता है ना, तो ये कॉप आउट होते हैं। दूसरा होता है होल्ड आउट, पीपल हु डू नॉट नो इफ दे कैन रीच देयर गोल, सो दे आर अफ्रेड टू कमिट। पर्पस डिसाइड कर लिया 1,30,000, लेकिन अंदर से भावना क्या है, किधर से आएगा साला, अपने बापी को नहीं आया तो अपने को कहां से आएगा, कितने लोगों को तो नहीं आ रहा है। तो डिसाइड विसाइड करके साला अपन काई के लिए कमिटमेंट लेने का, तो कमिटमेंट लेते नहीं, ऐसे भी लोग है ना आड़े टेढ़े। तो ये लोग ऐसे लोग है होल्ड आउट। तीसरा होता है ड्रॉप आउट, पीपल हु स्टार्ट्स टुवर्ड्स द गोल बट क्विट व्हेन द गोइंग गेट्स टफ। यहां से निकलेंगे हर हर महादेव वंदे मातरम जय गौ माता की, हर हर गंगे, सर मैं आ गया हूं मार्केट में, अब देख लेना अपने जैसा कोई नहीं है, सबको बोल दो साला बकेट वकेट में पानी भर के रखे क्योंकि मैं आग हूं आग। हाँ लेकिन जैसा मार्केट में निकल के साला पीछे टाप टूप 3-4 कोड़े पड़ते, बोले बहुत दर्द होता है यार, ऐसा मैंने सोचा था कमिटमेंट वमिटमेंट लेने का, लेकिन ये दर्द है ना बहुत ज्यादा है, इतना दर्द होता है कि क्या बोलूं, फुकट का ले लिया। आएंगे आपको ही लेकर आना पड़ेगा, आपको ऐसा बोल के ना इधर से निकलेंगे। ये ऐसे लोग हैं जो दुनिया में चलेगा कोई बात नहीं, ये ऐसे लोग हैं जो दुनिया के अंदर, ये लोग की भी जरूरत है दुनिया में, इनकी भी है ना जरूरत है फ्रेंड्स। ये ऐसे लोग हैं जो कमिटमेंट लेते हैं लेकिन साला अपना हर एक चीज उसके लिए डालने के लिए रेडी नहीं है। ये लोग है ना कमिटमेंट लेने के बाद में क्या बोलते हैं मालूम है, मार्केट पूरा पॉजिटिव रहेगा तो अपन कमिटमेंट लेने के लिए तैयार नहीं, तैयार है, ऐसा तो हर कुत्ता ले सकता है ना, इसमें कौन सा बहुत बड़ा बात है, प्रोडक्ट है ना थोड़ा महंगा है इसीलिए तो तेरे को रखा है, नहीं तो आरएमपी में खुद लाइन लगा के लोग नहीं ले लेते थे, राइट रॉन्ग है। कमिटमेंट लेते हैं लोग लेकिन फिर क्या बोलते हैं मालूम है, मेरे को अपलाइन का सपोर्ट है ना पूरा दिन रात चाहिए, ऐसा पूरा दिन रात सपोर्ट देगा तो वो बाकी का काम कब करेगा, अपना बच्चे को तो अपने को ही पालना है ना, बाजू वाला पालेगा तो नहीं चलेगा, राइट रॉन्ग है। इनको सब कुछ एकदम मस्त चाहिए, क्या है ना मेरे को है ना 1 बजे खाना नहीं मिला तो एसिडिटी हो जाती, तो मैं कमिटमेंट तो आया मेरे को लेकिन है ना एसिडिटी होएगा तो नहीं चलेगा, राइट रॉन्ग है फ्रेंड्स। ने बारिश है धूप है ठंडी है बीमार भी पड़ जाते हैं घड़ी घड़ी, मौसम चेंज होता है, तो ये साला रंगीन बाहर है फुलझड़ी है फूल क्या बोलते हैं ना, हाँ ऐसा है, थोड़ा सा साला ठंडी हवा का झोंका है तो 4 दिन के लिए बेड पे पड़ा रहता है, ये होते कमिटेड लोग, ये होते हाँ क्या बोल रहे हैं, हाँ बाम लगा के पड़े रहते, ये होते कमिटेड लोग, ये होते ड्रॉप आउट। नहीं क्या फिर कुछ बोल ही नहीं सकते ना अपलाइन, ऐसे कितने आड़े टेढ़े हैं ना सर, हाँ तो कितनों को झेलने की क्षमता रहनी चाहिए, समझ में आ रहा है। हाँ और चौथा होता है फ्रेंड्स एक्चुअली दमदार, ऑल आउट, पीपल हु सेट द गोल कमिट टू देम एंड पे द प्राइस टू रीच देम। हर एक चीज की कीमत चुकाने के लिए तैयार है वो लोग फ्रेंड्स, हर एक चीज की कीमत, गोल सेट किया मतलब साला BMW ना ये मनता है तो मनता है, इसके लिए कितना प्लान देने का देगा, इसके लिए कौन से हद तक जाना है मैं जाऊंगा, बंगला ना बंगला सेट किया इधर इधर सेट कर लिया साला, अब ये बंगले के लिए दिन में 5 नहीं 50 लोगों तक भी साला जाना पड़े, 50 लोगों का झापड़ खाना पड़े, साला मैं जाऊंगा अपने को मंगता है तो मंगता।
मांगता है। ऐसे लोग हैं ये लोग, ये ऐसे जानदार लोग हैं, हर एक चीज करने के लिए तैयार है, कीमत चुकाने के लिए तैयार है, अपने कंफर्ट जोन को तोड़ने के लिए तैयार है। ये साले ऊपर के तीनों लोग हैं ना, बच्चों के बर्थडे एनिवर्सरी ये इसके लिए पैदा हुए, ऐसे लोग भी चाहिए साला। हाँ, बच्चों का बर्थडे एनिवर्सरी, इनको साला एक गणपति का त्यौहार आ जाता है तो आशीर्वाद नहीं, ये पूरा 11 दिन तक उधर नाचता भी है, विसर्जन करने के बाद में और 11 दिन दुख भी मनाता, बोलता गणपति चली गई। ये ऐसे साले, ये ऐसे आड़े तेड़े लोग हैं, ये ऊपर के तीन है ना, हर साल गांव जाते, तो साला गांव में क्या रखा हुआ है मालूम नहीं है, सपना अपने का कुछ ठिकाना नहीं है, कुछ नहीं है इसके पास में, साला पैसा जमा करके गांव जाएगा, उधर क्या है नहीं कुछ, उधर क्या है, ये कीमत चुकाते हैं, ये कीमत। अभी क्या ना, गर्मी का सीजन है, उधर मेरे को जाना ही पड़ेगा, बूढ़ी माँ है ना वो बीमार है, अच्छा तू जाके ऑपरेशन करेगा, 2 दिन जा उसको बैठ बाजू में, और साला ऐसा चक्कर चला ना, बूढ़ी माँ बीमार है तो साला इसको यूके में कैसा ट्रीटमेंट करा हूं मैं वहां के डॉक्टरों से, उसके बारे में सोचना, राइट रॉन्ग है। ये ऐसे लोग है, ये ऐसे लोग है जिनका बाजू वाले का भी बर्थडे रहेगा ना, तो साला ये अपने घर में पार्टी मनाते 2 दिन। हाँ, बोले यार अभी तो क्या है ना, मेरा है ना वो ससुर आया घर पे, ससुर आया तो क्या हुआ, तू ससुर आया तो क्या खाना खाना छोड़ दिया, तो तू उस दिन अपने पर्पस के लिए काम करना क्यों छोड़ा, राइट रॉन्ग है। ये ऐसे आड़े तेड़े लोग हैं जो हर एक कीमत चुकाते हैं, ये बोलते हैं अभी ये साल 3 साल गणपति में नहीं नाचेगा, बाद में गणपति पूरा मैं स्पॉन्सर करेगा, नवरात्रि में नहीं नाचेगा, नवरात्रि में स्पॉन्सर करेगा, बच्चे का बर्थडे साला, बच्चे का बर्थडे वगैरह अपुन नहीं मनाएगा, अपुन अब मनाएगा तो डायरेक्ट ताज में ही मनाएगा। हाँ, ऐसा पर्पस रख के चलते, बोलते गांव आओ अपने को जाने का नहीं है, गांव आओ वगैरह अपने को जाने का नहीं है, अपुन ऐसा कुछ करेगा, कुछ अलग करेगा कि साला पूरे गांव में सबसे बड़ा खेती, सबसे बड़ा फार्म हाउस, सबसे बड़ा घर मेरा होगा और वहां पे मैं मेरे मम्मी डैडी को लेकर जाऊंगा, पर्पस होना चाहिए, समझ में आ रहा है। हाँ, ये पर्पस होना चाहिए, ये इसके लिए कीमत चुकानी पड़ती है। ऐसे गांव जाने वाले, हर साल गांव जाने वाले लोग 95% लोग हैं, समझ में आया, ये ब्लेम करने वाले 95% लोग हैं, तो कोई उसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, समझ में आ रहा फ्रेंड्स, राइट। तो ऐसा है, क्यों क्लियर हो रहा है फ्रेंड्स, हर सच्चे आरएमपीएन का सपना क्या है, यहां पर लिखा हुआ है, हर आरएमपीएन का एक टारगेट है, दैट इज डायमंड, हर सच्चे आरएमपीएन का टारगेट है, बाकी सब तो सिर्फ आरएमपी में है, आरएमपीएन नहीं है, लेकिन जो आदमी सच्चा आरएमपीएन है ना उसका टारगेट होता है वो क्या है, डायमंड शिप। यहां पर जाना क्यों है, डायमंड शिप पे जाना बहुत बड़ी बात नहीं है मेरे दोस्तों, मेरे को 10,000 जोड़ी मैच करने में इंटरेस्ट नहीं था, मेरे को किस चीज में इंटरेस्ट था, ये 10,000 जोड़ी मैच किया तो मैं रिटायरमेंट की लाइफ जी सकता हूं, ये 10,000 जोड़ी मैच किया तो मेरा गाड़ी आ गया, ये 10,000 जोड़ी मैच किया तो मेरा इज्जत आ गया, मेरा नाम आ गया, मेरा सम्मान आ गया, यानी कि अपन राजा की तरह जिंदगी जी सकते हैं, क्लियर हुआ क्या नहीं फ्रेंड। तो डायमंड शिप के पीछे आपको क्या दिखना चाहिए, आपका टारगेट, आपका गोल, आपका गाड़ी, हाँ, आपका नाम, आपका इज्जत, एक ऐसा इज्जत जहां पे साला बच्चा देख के बोलेगा कि मां कसम क्या बापू है, हाँ, जहां पे आप साला अपना ससुराल में चला गया ना तो खाली आ गया बोल के उठना नहीं चाहिए, इज्जत के वजह से उठना चाहिए, बोले मां कसम ये मिला मजा आ गया यार, समझ में आया, वो इज्जत, ये डायमंड शिप के पीछे फ्रेंड्स। क्यों जाना है डायमंड, वो डायमंड इसीलिए जाना है क्योंकि तुम ये दुनिया में ना रहो ना लेकिन तुम्हारा नाम अमर रहना चाहिए, इसके लिए डायमंड जाना है अपने को, राइट रहोगे फ्रेंड्स। ये डायमंड क्यों जाना है, ये डायमंड क्यों जाना है, क्योंकि बहुत हो गया पीछे बैठकर, साला एक दिन आगे बैठना है अपने को, इसके लिए डायमंड जाना है, राइट रॉन्ग है फ्रेंड्स। क्यों जाना है डायमंड, क्यों साला लोगों के पास मिलकर जाना है, क्यों अपने आप को, और उसके बाद में पूरी जिंदगी भर घर पे बैठना, आएगा 1,30,000, राइट रॉन्ग है फ्रेंड्स, राइट। तो हर आरएमपीएन का सपना क्या है फ्रेंड्स, डायमंड शिप, सेट योर टारगेट टुडे, क्या करो, सेट योर टारगेट टुडे, जाना है डायमंड शिप, जो बोलेगा वो करने के लिए रेडी है फ्रेंड्स, yes! पागलों की तरह सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, तैयार हो, yes! तैयार हो, yes! इतना आसान नहीं है फ्रेंड्स, बहुत कुछ करना पड़ेगा इसके लिए चक्कर, तैयार हो आप, yes! क्योंकि इतना बड़ा काम करना है ना, हर किसी के बस की बात नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन मैं ये भी बोलता हूं हर किसी में वो दम तो है करने का, क्योंकि मैं यहां पर बैठा हुआ हर एक आदमी को अगर मुझे बोला जाए ना कि ये आदमियों को जज करो,
कितना मार्क्स दे सकते हो डायमंडशिप का, तो मैं आप सबके माथे पे 10 points, 10 points, 10 out of 10 मारने के लिए रेडी हूं, क्योंकि मुझे मालूम है यहाँ पे बैठा हुआ हर एक आदमी डायमंड है फ्रेंड्स, यहाँ पे हर एक आदमी यहाँ पे बैठा हुआ डायमंड है। ये मेरे दिल का बहुत स्ट्रांग विश्वास है। मेरा विश्वास तो आप पर है, क्या आपका विश्वास अपने आप पर है क्या फ्रेंड्स? क्या आपका विश्वास अपने आप पर है? सेट योर टारगेट टुडे। आज बनाओ अपने जिंदगी का पर्पस, और जब भी टारगेट सेट करो ना फ्रेंड्स, नो लिमिट बिलीव। मेरे जिंदगी में एक ही चीज है फ्रेंड्स, नो लिमिट बिलीव। क्योंकि मैंने बोला फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि शायद बिल गेट्स ने भी छोटा काम किया है, मेरे पास आने वाला 50 साल है, शायद उसको ओवरटेक कर सकता हूं। ऐसा नो लिमिट बिलीव मेरे अंदर है। मेरे अंदर एक ऐसा बहुत स्ट्रांग बिलीव है कि मैं जो मनता है वो सारी चीजें अचीव कर सकता हूं। इसको बोलते हैं नो लिमिट बिलीव। मेरे लिए बना हुआ है रॉयल्स रॉय, मैं ले सकता हूं, ऐसा एक नो लिमिट बिलीव। मैंने जो बात किया ना फ्रेंड्स, यूके और यूएस के लोग यहां पर आना, मेरे को क्या पागल समझते हो? मोटिवेशन में कुछ भी बोलूंगा, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग यहां पर है क्या? मुझे नहीं पता है मैं क्या बोल रहा हूं, लेकिन नो लिमिट बिलीव। पागलों की तरह सोचो, बड़े से बड़ा सोचो, औकात के बाहर सोचो, इतना बड़ा सोचो कि साला दिमाग का भी फट जाना चाहिए कि तूने क्या सोचा ये। समझ में आ रहा है? नो लिमिट बिलीव। और जब भी टारगेट सेट करे ना, तो ये मत सोचना ये अचीवेबल है कि नहीं है, ये प्रैक्टिकल है कि नहीं है। कभी जिस दिन आपने अपने माइंड को कमांड दे दिया ना कि ये प्रैक्टिकल नहीं है, उस दिन आप सही हो। अगर आपने कमांड दिया ना कि ये मैं अचीव कर सकता हूं, तो भी आप सही हो। ये नो लिमिट बिलीव होना चाहिए फ्रेंड्स। अंदर वो आग, अंदर वो तड़प आपके अंदर होनी चाहिए। ये मत सोचो, अगर तुम्हारा सपना है साला ऐश्वर्या के साथ में शादी करना है, तो लिख ऐश्वर्या के साथ में शादी करना है। अभी उसमें अपना दिमाग मत लगा कि अभिषेक छोड़ेगा क्या उसको, अमिताभ को बुरा तो नहीं लगेगा, साला अपने ऊपर छोड़ना, अपन सेटिंग करवा देंगे। तू लिख तो सही, तो एक नो लिमिट बिलीव अपने अंदर होना चाहिए। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? हाँ, डायमंड नहीं जाना है, डायमंड शिप का 100 lot खड़ा करना है अपने को। समझ में आ रहा है? वो होता है एक नो लिमिट बिलीव। वो नो लिमिट बिलीव है फ्रेंड्स आपके अंदर, वो है तड़प कि अब भी ऐसा बोल रहे हो साला बाजू वाला चिल्ला रहा है, अपुन नहीं चिल्ला है तो कैसा चलेगा, अपने को भी चिल्लाना तो पड़ेगा। समझ में आ रहा है? अंदर एक तड़प रखो फ्रेंड्स, नो लिमिट बिलीव, साला पागलों की तरह अचीव करना। ये दुनिया में जितने भी बड़े काम हुए वो किससे हुआ है फ्रेंड्स? नो लिमिट बिलीव से हुआ है। ये बाकी सारे लोग तो थकेले मरेले लोग, 125 crore में से 124 crore लोग लक को बिलीव करते हैं। ये जीते अपने फैमिली के लिए, इनके जिंदगी का कोई पर्पस नहीं है सिवाय बच्चों को खाना पीना खिलाना, उनको पढ़ाना। क्यों? उनके अंदर का एक बिलीव है कि ये नहीं पॉसिबल है। समझ में आया? समझ में आ रहा है आपको? ये सारे लोग तो ऐसे हैं, इनके अंदर ये नो लिमिट बिलीव नहीं है कि मैं मेरे कंट्री के लिए कुछ कर सकता हूं, मैं जा सकता हूं डायमंड, या मैं भी गाड़ी ले सकता हूं। ये नो लिमिट बिलीव उनके अंदर नहीं है, वो हमेशा अपने अंदर से बोलते हैं। ऐसे लोग यहां पर भी रहेंगे हॉल में जो अंदर से बोलेंगे साला इधर बुला के अभी करूं क्या, क्या क्या बोल रहा है ये, 40 साल से कभी कुछ हुआ नहीं, अब बोलता है नो लिमिट बिलीव। अरे 45 एज का भी आदमी है ना, अंदर विश्वास कर। आज तक मेरी जिंदगी में कोई पर्पस नहीं था, मैं 18,000 में नौकरी कर रहा था, 12,000 में नौकरी कर रहा था, लेकिन आज अपनी जिंदगी में पर्पस बनाऊंगा मैं, आज अपने आप को बदलूंगा। आज लोग बोलेंगे आने वाला 40 साल तो जीऊंगा मैं 80 साल तक, साला 40 साल में मैं कुछ बड़ा करके बताऊंगा। समझ में आ रहा है? या 40 साल के अंदर मैं कुछ बड़ा करके बताऊंगा। देख उन लोगों को जो 80-80, 90-90 साल के उम्र में ये दुनिया के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मोटिवेशन चाहिए ना, तो देख अब्दुल कलाम सर को। जितने भी लोग 60-70 के ऊपर है ना, मैं बोलता हूं अपना हार मत मानो फ्रेंड्स, खाली उनको सपोर्ट दो। आप लोगों के सपोर्ट से अपना कंट्री शायद 2020 में नहीं 2015 में डेवलप हो सकता है, लेकिन आप सपोर्ट देने के लिए रेडी रहो। जिंदगी का मकसद बनाओ, जिंदगी का टारगेट बनाओ, जिंदगी का पर्पस बनाओ। किसी को मैं मिला था, एक 55-60 एज के एक आदमी को, मैंने बोला अंकल आप इतना मोटिवेटेड, ऐसा सुबह अंकल आपके जिंदगी का मकसद क्या, क्या करना चाहते हो आप? तो बोलता है और 10 साल जीना चाहता हूं। मैं बोला अंकल आप तो वो चौल में रहते हो इतने साल से, कभी ऐसा सोचा नहीं? नहीं, मैं हेल्थ को बहुत ध्यान देता हूं। बोला ठीक है। मैं बोला यार चला जा, क्योंकि जिंदगी में मकसद नहीं है, वैसे लोगों को रहना भी नहीं चाहिए। राइट रॉन्ग है, मानते हो आप? हाँ, पर्पस भी है ना, तो छोटा पर्पस है इसकी जिंदगी का, छोटा। क्या पर्पस है? अभी दूध का भाव देखो 25 रुपया है,
तीन साल के बाद में वो 40 होगा, वो 40 में भी मैं साला एक भी लीटर दूध अपने घर पे कम नहीं करूंगा, उतना ही चाहिए मेरे को, उतना ही दूध का क्वांटिटी आएगा, मेरे जिंदगी का पर्पस है। समझ में आ रहा है? छोटा छोटा पर्पस, छोटा छोटा पर्पस। और कोई लोग बोलते हैं मेरे को, हाँ कोई लोग बोलते हैं, हाँ क्या फर्क है ये गाड़ी में और वो गाड़ी में, BMW में? मैं बोला वही फर्क है जो धानू के घर में और नरीमन पॉइंट के घर में रहता है। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? छोटा छोटा पर्पस बना के साला उसको अचीव करके ये खुश होते रहता है, दो मारता है डेली, अचीवमेंट कुछ नहीं है, राइट है ना, इतना खुश रहता है छोटे छोटे अचीवमेंट में। हाँ छोटी छोटी खुशियां बहुत जरूरी है, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है कि छोटी छोटी खुशियों के बीच में बड़ी बड़ी कारें, बड़ी बड़ी गाड़ी नहीं आ सकती है। समझ में आ रहा है? साइकिल पे बैठ के खुशी मना के वैगनार में बैठ के खुशी मनाने से ज्यादा खुशी है ना BMW में आती है, इतना गारंटी मैं देता हूं। समझ में आया? ने जिंदगी का पर्पस बनाओ, नो लिमिट बिलीव, नो लिमिट बिलीव। तैयार हो आप लोग? तैयार हो आप लोग? सेट योर टारगेट टुडे, सेट योर टारगेट टुडे। मेरा नेक्स्ट टारगेट, मेरा नेक्स्ट टारगेट, मेरा नेक्स्ट टारगेट मेरे पास में, आपके पास है? मेरा नेक्स्ट टारगेट मेरे पास में, क्योंकि हमेशा मेरे को आग चाहिए। आजकल मैं मेरे घर से बहुत दुखी हूं। मैक्सिमम लोगों का घर होता है 3 बेडरूम हॉल किचन का सपना, मतलब ये हो गया तो अब इसका सपना है कि पिछले 25 साल के बाद में साला यही समाधि लूंगा मैं, ये इसका बिलीव है। छोटा छोटा पर्पस, राइट। अभी मेरे को लगता है मेरा घर गरीबों का घर है, जिसमें अच्छा खासा इंटीरियर, एवरीथिंग, सब कुछ। बहुत सारे लोग आए हैं ना घर पे, है ना, सबको ऐसा लगता है अच्छा खासा। मेरे को नहीं अच्छा लगता, मेरे को सच में ऐसा लगता है छी साला कितना गरीब हूं मैं। समझ में आ रहा है? क्योंकि वो अच्छा लगने लग गया। और लोग क्या बोलते हैं, किसी ने पूछा मेरे को, सर गाड़ी में कैसा लगता है? मैं बोला बिल्कुल मजा नहीं आता यार अपने को, साला सड़ेला थकेला गाड़ी। तो बोलते सर इज्जत करनी चाहिए जो भगवान ने दी है। मैं बोला तू कर रहा है ना तेरे घर की इज्जत पिछले 15 साल से, इसीलिए उधर ही है। अपने पास जो चीज आया नहीं साला, उसके पहला जूना हो जाना चाहिए। समझ में आया? समझ में आया? क्योंकि फैमिली को लेके जाके सबसे पहला किधर बिठाया? BMW 5 सीरीज तो ले रहा हूं, अच्छा कार है, अपने औकात के बाहर का कार था एक जमाने में, बिठाया 7 सीरीज में। कैसा लगा? मम्मी बोलती है अपन वो ले रहे हैं क्या, ये नहीं, मेरे को मजा नहीं आ रहा उसमें। बोले यस यही तो चाहिए था साला, यही तो अपने को चाहिए था ना, नेक्स्ट टारगेट। समझ में आ रहा है? क्योंकि अच्छा लगने, मैं तो बोलता हूं मेरा घर गाड़ी कुछ नहीं अच्छा लगना चाहिए, मेरा फैमिली को साला हर बार मेरे पीछे डॉबरमैन लगाओ ताकि मैं भागते रहूं, क्योंकि डॉबरमैन बहुत बुरी जगह काटता है। समझ में आया? उसको काटने देने का नहीं है। तो सेट योर टारगेट, नो लिमिट बिलीव। तैयार करोगे आज? लिखो जो मन में आए, लिखो जो मन में आए। मैं आपको वादा करता हूं ये 3 घंटे के बाद मैं आपको ऐसा मंत्र दूंगा जहां से आप वो चीज अचीव कर जाओगे आने वाले 3 साल में, आने वाले 3 साल के अंदर। आपको विश्वास होना चाहिए फ्रेंड्स, आपको विश्वास होना चाहिए। डिजायर टू फाइट बैक, डिजायर टू फाइट बैक, डिजायर टू टेक चैलेंजेस, दिस एटीट्यूड वी शुड हैव इट इन अस टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। कौन बोलता है ये? बिल गेट्स बोलता है ये। डिजायर टू फाइट बैक, डिजायर टू फाइट बैक। मुझे पता है फ्रेंड्स, यहां पे मैक्सिमम लोग बैठे हैं, बहुत कम लोगों का पर्पस उनकी आत्माओं में उतरा है, बहुत कम लोगों का पर्पस। या तो उतरा भी है ना, तो ज्यादा से ज्यादा साला एक स्कॉडा तक या एक मर्सिडीज तक आके सोच खत्म हो गई है। ये मत सोचना कि मर्सिडीज बहुत बड़ा कार है, ये दुनिया में उससे भी बड़ी चीज है। तो मुझे इतना पक्का मालूम है फ्रेंड्स, लोग उसने क्या बोला बिल गेट्स ने, डिजायर टू फाइट बैक। वो ये नहीं बोलता है, बिल गेट्स ये नहीं बोलता है कि दुनिया के अंदर तकलीफें नहीं आएगी, वो बोलता है डिजायर होना चाहिए वापस आने का, वो तड़प होनी चाहिए वापस लड़ने का, वो तड़प होना चाहिए कि आज अगर मैं 100 जोड़ी पे हूं, मेरा टीम पूरा का पूरा खत्म हो गया, साला अगला 100 जोड़ी अगर 10 महीना लगा तो अगला 100 जोड़ी 5 महीने में बना के बताऊंगा। डिजायर टू फाइट बैक, समझ में आ रहा है? ये एटीट्यूड होना चाहिए, ये एटीट्यूड होना चाहिए, डिजायर टू फाइट बैक जिंदगी में हर एक परिस्थिति से ऊपर आने का, जिंदगी में हर एक परिस्थिति से ऊपर आने का। फ्रेंड्स आज मैं दिल से बोलता हूं फ्रेंड्स, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरा आईडी ले लो मनता तो, ऐसा दूंगा नहीं। लेकिन अगर बहुत बुरी परिस्थिति आई और ऊपर वाले ने भी अगर चैलेंज दिया, सब कुछ ले लो, लेके क्या जाएगा? ये लेके जाएगा मेरा एटीट्यूड। अगर 4 साल लगे मेरे को रॉयल डायमंड आने के लिए, या 4 साल लगे मुझे 18 लाख रुपए का महीने का इनकम पहुंचने के लिए, बिलीव मी फ्रेंड, मां कसम बोलता हूं, टारगेट सेट करूंगा 1.5 साल का 18 लाख रुपए हफ्ते में कमाने का। समझ में आ रहा है? डिजायर टू फाइट बैक होना चाहिए, हर एक परिस्थिति से वापस आना, हर एक परिस्थिति से वापस आना, कितने भी लोगों का रिजेक्शन झेल के वापस आना, कितना भी तकलीफ से झेल कर वापस आना। कोई कोई लोग बोलते ना, पहला मेरे पास में बहुत था, मैं भी बड़ा आदमी था, वो है ना गलती से था। तू पहले अमीर था ना, वो गलती से था, बूंदी का लड्डू
समझो इस बात को, क्योंकि जो आदमी एक्चुअली सक्सेसफुल होने का एटीट्यूड है ना, वो कभी ये नहीं बोलता पहले से था, वो ये बोलता है कि साला पहला जो था ना 15 साल में बनाया ना, अब दुनिया को 5 साल में इससे 10 गुना ज्यादा बना के बताऊंगा। समझ में आ रहा है? वो कभी बैठता नहीं है। डिजायर टू फाइट बैक, डिजायर टू टेक ऑन चैलेंजेस, क्या बोलता है वो, डिजायर टू टेक ऑन चैलेंजेस। आज तक अपने को 99.999% लोगों ने यही बताया फ्रेंड्स, क्या बताया आज तक अपने को 99.999% लोगों ने बताया लाइफ इज वेरी चैलेंजफुल, राइट अर रॉन्ग है, लाइफ इज वेरी चैलेंजफुल, बहुत चैलेंजफुल लाइफ है जिंदगी। हाँ, दुनिया में हम आए तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा, राइट अर रॉन्ग है, ये सब डायलॉग मार मार के साला अपने को ब्रॉन एंड ब्रॉटअप किया गया है। लाइफ इज वेरी चैलेंजफुल, लेकिन कोई भी आदमी ये डायलॉग मारता है क्या? लाइफ इज फुल ऑफ अचीवमेंट, लाइफ इज फुल ऑफ अचीवमेंट इफ यू विल टेक दैट चैलेंजेस। कोई ये नहीं बोलता है कि जिंदगी पूरा अचीवमेंट से भरा हुआ है, खाली वो चैलेंज को लेने की क्षमता तू तेरे अंदर डाल। हर आदमी बोलता है लाइफ बहुत बड़ा चैलेंज है। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? हर आदमी बोलता है लाइफ बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन वो चैलेंज के पीछे का अपॉर्चुनिटी देखना तू। प्लान सीखना चैलेंज है, राइट है रॉन्ग है? प्लान सीखना क्या है? चैलेंज है। प्लान सीखना चैलेंज है, लेकिन वो चैलेंज के पीछे का अपॉर्चुनिटी देख। अगर तूने प्लान देना सीखा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, खुद के दम पे सब कुछ करना चैलेंज है, लेकिन अगर वो चैलेंज तूने लिया तो तू डायमंड शिप के लायक है। देखना तू, राइट अर रॉन्ग है? जिंदगी में एक बात याद रखना मेरे दोस्तों, जिंदगी में मेरे भाई एक बात आप लोग क्लियरली अपने जिंदगी में एक बात ठोक कर बिठाना, अगर दुनिया में कामयाब होना है तो चैलेंज लेना। आप जो जॉब करते हो, आई एम वेरी सॉरी टू से दैट, आप जो जॉब करते हो, पिछला 10 साल का जो भी आपका तजुर्बा है, वो तजुर्बा कल भी वापरना है ना, हाँ या ना? वो तजुर्बा कल भी वापरना है तो वो चैलेंज नहीं है। समझ में आया? वही लोगों के साथ में काम करना, वही दुकान में जाके बैठना, वो चैलेंज नहीं है, वहां कोई इनोवेशन नहीं है। आप समझने की कोशिश करो, कुछ पढ़ाइयां जो मैं करता हूं जिसके वजह से मुझे ये चीज मालूम है, लक पे मैं बिलीव नहीं करता हूं। हम वो काम करते हैं जो चैलेंजफुल नहीं है। 10 साल से वही लोगों के साथ में धंधा करना, वही एक्सपीरियंस, वही तजुर्बे के साथ में धंधा करना जो अपने को आता है, जो अपने को आता है, नए एक्सपीरियंस को, नए तजुर्बे को, नए काम करने के तरीके को, नए लोगों को अपने अंदर लेकर आना, वो चैलेंज है। और जहां पे हम लोग वही काम करते हुए आ रहे हैं, वही नौकरी कर रहे हैं, वही तजुर्बे के साथ, जो तजुर्बा है वो तजुर्बा वापरना है, साला 15,000 कमाना है। जो तजुर्बा है वो तजुर्बे से दुकान में बैठना है, साला 25,000 कमाना है। जो तजुर्बा है वही तजुर्बे से लोगों के साथ में बात करना है, 25,000 कमाना है। चैलेंज कुछ नहीं, जहां पे फ्रेंड्स क्रिएटिवनेस नहीं है ना, इनोवेशंस नहीं है, वहां पे अचीवमेंट्स नहीं है, वहां पे रोकड़ा नहीं है। समझ में आ रहा है? आप गहराई से समझो इस बात को, जहां पे क्रिएटिवनेस नहीं है, जहां पे क्रिएटिवनेस नहीं है, जहां पे चैलेंज नहीं है ना, नए नए काम करने का, नए नए चेंजेस अपने अंदर लेकर आने का, वहां पर कभी भी रोकड़ा नहीं है। लेकिन जहां पे हर बार लोग बदलते हैं, जहां पे हर बार काम करने का तरीका बदलता है, जहां पे साला अपने को हर बार बम के ऊपर बिठाया जाता है कि साला अब ये सीख, प्लान सीख, लीडरशिप स्किल सीख, ये ट्रेनिंग अटेंड कर, वो सेल्स का लाइन अटेंड कर, देख ऐसा क्लोजिंग कर, देख वो आदमी मिलेगा तो वैसा कर, वकील को बुलाना तो ऐसा इन्वाइट कर, ये कपड़ा पहन, वो कपड़ा पहन, हर बार चेंजेस है, इनोवेशन है। और जहां पर इनोवेशन है ना, वहां पर रोकड़ा बहुत है। समझ में आ रहा है? आज हम लोग बोलते हैं ना, आज मेरी जिंदगी में चैलेंज है, आज मेरी जिंदगी में चैलेंज है कि हर बार जो बोलते हैं ना, रुका हुआ इंसान, ठहरा हुआ आदमी सड़ जाता है। मेरे को एक्चुअली सड़ना नहीं, ये डायलॉग मारना बहुत इजी है, इस तरह जिंदगी जीना बहुत इजी है। जिस दिन मुझे कुछ दिनों पहले मेरे को एहसास हुआ मैं रुक गया हूं, अब मेरे पास में कुछ बड़ा चैलेंज बचा नहीं, मेरे को मालूम पड़ गया कि मेरा जिंदगी रुका हुआ है। ऐसा चलेगा तो साला मैं ट्रैप में फंस जाऊंगा, ऐसा चलेगा तो मैं ट्रैप में फंस जाऊंगा साला। कुछ ना कुछ बड़ा, कुछ ना कुछ नया पर्पस बनाना पड़ेगा जिंदगी का, ताकि अपने पीछे डॉबरमैन लगे, जहां पे अपन साला रोज टेंशन में रहे, जहां पे कुछ बड़ा काम करने का वो चाहत, वो शिद्दत अपने अंदर रोज जगा रहे। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? नहीं समझा? हाँ, तो चैलेंज लेना सीखो। और जिंदगी में कभी भी फ्रेंड्स ये मत बोलना कि ये इंपॉसिबल है, क्योंकि मैं एक चीज जानता हूं, व्हाटएवर द ह्यूमन माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन सीरियसली अचीव। इफ यू थिंक यू कैन, यू विल। इफ यू थिंक यू कांट, यू विल नॉट। एदर वे यू आर राइट, दोनों तरीके से आप सही हो। समझ में आ रहा है? जो काम चैलेंजफुल है ना, चार लोगों को मिलना डेली, अपलाइन बोलता है कि नहीं बोलता है,
चैलेंज है ना साला, ये बोल देना कि मार्केट में चार लोग मिलते नहीं, मैं क्या बैठा हूं घर पे, मैं तो वेला बैठा हूं, मैं तो बहुत पॉजिटिव आदमी हूं। साला ये डायलॉग हर आरएमपीएन मार सकता है यार, इसमें कौन सा बहुत बड़ा चैलेंज है? समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है आपको? ये बोल देना वो क्लोजिंग नहीं होता, मैं बहुत प्लान देता हूं, इसमें कौन सा बहुत बड़ा डायलॉग है? चैलेंज क्या है? कि उसका सोल्यूशन निकाल के लेकर आना, ऐसा साला पढ़ाई करना, ऐसा आइडिया को इनोवेट करना, ऐसे आइडिया को क्रिएट करना जिसके वजह से आप 10 प्लान दो तो साला 20 एंट्री आना चाहिए सबके सब, दो दो पोर्ट से। और हम लोग बोलते हैं ना, इट इज नॉट पॉसिबल सर, और पॉसिबल जितनी भी सारी चीजें वो तो तू कर ही रहा है ना, तो जिंदगी में वही चीज आ रहा है जो तू डिजर्व करता है, वो काम करना जो पॉसिबल नहीं है, जो टफ है, जो चैलेंजफुल है, जो लोग नहीं करते हैं, तो जिंदगी में वो सारी चीजें आएंगी जो तूने एक वक्त सोचा था कि जो मेरे लाइफ में आना पॉसिबल नहीं है, वो सारी चीजें तेरी जिंदगी में पॉसिबल बनकर आएगी। इसके लिए एक बात याद रखना, रिस्पॉन्सिबिलिटी देना है ना, ये कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, हर आदमी दे सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चैलेंज है। समझ में आ रहा है? सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो साला, सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी अंदर कर लो, अपने को किसी को छोड़ना नहीं है, मेरा दोस्त का परिवार का जिम्मेदारी भी मेरा, मेरा साला वो चाचा का लड़का उसका भी जिम्मेदारी मेरा, साला अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाना वो कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, वो हर 97 आदमी करता ही है, लेकिन अपने आसपास में जितनी भी सराउंडिंग है साला सबका परिवार का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा, पूरी जिंदगी भर साला तुम लोग को बड़ा आदमी मैं बना के रखूंगा, पैसा नहीं दूंगा साला, एटीट्यूड दूंगा, तुम्हारा केयर करूंगा, सबकी जिम्मेदारी मेरी, दैट इज चैलेंज। ये बोल देना कि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैंने बोला था कि ये करने के लिए, दैट इज नॉट चैलेंज। समझ में आ रहा है? सबकी जिम्मेदारी लो, प्लान देना नहीं आता सीखो, जाओ लोगों को मिलो, ये डायलॉग मारना घर पे आके कि मैं थक गया हूं, हर कुत्ता मार सकता है। जो आदमी एक्चुअली बड़ा काम करता है ना, वो उसको थकान होती नहीं है, उसके पास एक चीज के लिए टाइम नहीं रहता पूरी जिंदगी भर, वो था सोना, वो कभी सो नहीं सकता, ये सोने वोने फालतू चीजों के लिए टाइम नहीं है। समझो इस बात को, समझो इस बात को, तो चैलेंज लोगे आज से? डायमंड शिप जाना चैलेंज है ना? क्यों जाना है? आपका पर्पस, हाँ पर्पस अचीव करना है, इसके लिए डायमंड शिप अपने को जाना है। समझ में आ रहा है? आपका पर्पस अचीव करने के लिए कोई बोलेगा ना, देख बेटा हिमालय पे तेरा सारा शिव भगवान बैठे हुए हैं और तेरे को पूरा आशीर्वाद दे देंगे, वो जो मनता है जिंदगी में तू वो पाएगा, तो अपने को हिमालय पे चढ़ने नहीं आते, लेकिन साला पूरा मेडिटेशन करके अपने अंदर पूरा वो योगा वोगा करके सब कुछ डालो, हिमालय पर चढ़ने का शौक नहीं है, लेकिन उस पर क्या है अपना पर्पस। क्लियर हो रहा है फ्रेंड्स? क्लियर हो रहा है? तो ये सारी चीजों करोगे तो बहुत मजा आएगा जिंदगी में, बहुत जबरदस्त आदमी बनोगे, बहुत जबरदस्त रोल मॉडल बनोगे। वी हैव टू कंसिडर दैट कमिंग 3 years आर द फाइनल 3 years ऑफ अवर लाइफ। डायमंड बनना है ना? डायमंड बनना है ना? ये सोचो कि आने वाला जो 3 साल है मेरी जिंदगी का, आज मैंने अपना पर्पस बना लिया, आज मैंने अपना मकसद बना लिया, आज मैं अपनी जिंदगी में डिसाइड कर लिया कि साला कुछ बड़ा कर जाऊंगा मैं, तो ये सोचो कि ये जो 3 साल है जिंदगी के, आखिरी 3 साल है, ये 3 साल में इतना मेहनत करूंगा जितना मैंने कभी पिछले 30 साल में नहीं किया था, इतना काम करूंगा जितना पिछले 30 साल में नहीं किया था, वो सारा चैलेंज लूंगा जो पिछले 30 साल में नहीं लिया था, वो सारा क्रिटिसिज्म झेलूंगा, वो सारी गालियां झेलूंगा जो पिछले 3 साल में नहीं किया था। समझ में आ रहा है? ये आखिरी 3 साल समझना आपकी जिंदगी का फ्रेंड्स, आखिरी 3 साल मतलब ये 3 साल के बाद में आपको कभी मौका नहीं मिलेगा मेहनत करने का, साला जितना भी बड़ा काम करना है ये 3 साल में करना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे को, सर डायमंड शिप का रास्ता क्या है? मैं खाली इतना बोलता हूं, मेरे को है ना 25 महीने में डायमंड बनना है। मैं क्या बोलता हूं मालूम है? 25 महीने में डायमंड बनना है ना, अगर अच्छा एक्चुअली तेरे अंदर आग है तो एक काम कर दू, मेरे को तू ये बोल दे कि सर ये 25 महीने के बाद का ये डेट है, ये डेट पे अगर मैं डायमंड पे नहीं बनाना, आप कभी ये मत सोचना कि मैं किसी जमाने में आपका दोस्त था, कभी ये मत सोचना किसी जमाने में अपनी बहुत अच्छी बनती थी, सीधा आना मेरे को गोली मार देना। समझ में आया? नहीं समझा? सीधा आना मेरे को गोली मार देना, पर्पस बन गया ना, जान बचानी है, अब तो डायमंड क्या साला रॉयल डायमंड भी बन के बताएगा ये, राइट रॉन्ग है? समझते हो ये पागलपन? समझते हो पर्पस का, ये रीजन का पागलपन समझते हो? अपने पीछे वो डॉबरमैन नहीं है, अपने पीछे साला पोमेरियन है, राइट रॉन्ग है? डॉबरमैन लगाओ, क्योंकि डॉबरमैन ने काटा ना, किसी काम के नहीं रहते हम लोग। समझ में आया? तो वो रीजन समझ रहे हो आप? अभी अगर ऐसा 25 महीना आपको दे दिया गया फ्रेंड्स, कैसा भागोगे आप? डायलॉग मारोगे? अपलाइन प्लान नहीं देता है?
साला खुद रात रात भर पढ़ के पढ़ाई पढ़ाई करके साला एक ही दिन में प्लान सीख के भागेगा मार्केट में, क्योंकि एक एक दिन कम हो रहे हैं ना, राइट रॉन्ग है फ्रेंड्स? गलत बोला मैंने? ये बोलेगा मैं थक गया, अच्छा रिस्क नहीं उठाएगा जॉब छोड़ने का, नहीं मैं जॉब करके 25 महीने में डायमंड बनूंगा। हमारे साथ होता क्या है मालूम है फ्रेंड्स? मैंने कहीं सुना है कि बंदर पकड़ने का तरीका होता है एक, सच में एक बॉटल के अंदर चार मूंगफली रख देते हैं और वो बॉटल का ऐसा रहता है ढक्कन, वो बॉटल का ढक्कन ऐसा रहता है फ्रेंड्स कि अंदर हाथ डालेगा ना तो मूंगफली लेता है बंदर, भूख लगी है बंदर को। अब वो मूंगफली उठाया तो मुट्ठी फुल गई। अब होता क्या है साला, बॉटल में से हाथ बाहर नहीं आता उसका। बंदर को करना क्या चाहिए? वो बोलता है मैं ना अपनी भूख मिटाने का रिस्क नहीं ले सकता, ये छोड़ेगा नहीं ना तो मैं भूखा मर जाएगा। तो कौन सा रिस्क लेता है मालूम है? जाने अनजाने में अपनी जान गंवाने का, आके साला पकड़ के, समझ में आ रहा है? हमारे साथ मैक्सिमम ऑफ द टाइम यही होता है फ्रेंड्स, समझो इस बात को। और हमेशा याद रखना फ्रेंड, चैलेंजेस जो है ना सेम होने चाहिए, ये बदलने चाहिए। साधारण आदमी की जिंदगी में चैलेंज है, बहुत बड़ा बड़ा चैलेंज है। क्या चैलेंज है? सुबह उठना चैलेंज है कि नहीं? 7 बजे में ऐसा थक के साला रात को पार्टी वार्टी मना के दारू वारू पी के 3 बजे घर पर आया, लेकिन सुबह 6 बजे का ट्रेन पकड़ना है, चैलेंज है कि नहीं है? है ना, मूड नहीं होता साला एक तो फिर भी जाना संडे को, चैलेंज है कि नहीं है? राइट रॉन्ग है? प्रॉब्लम किधर है मालूम है? ये साधारण लोगों की जिंदगी में हमेशा चैलेंज सेम ही रहता है। 1996 में भी सुबह 7 बजे का लोकल पकड़ने का चैलेंज, 1998 में भी वही चैलेंज, सन 2006 में भी, 2016 में भी वही चैलेंज। लेकिन जो सक्सेसफुल आदमी है ना साला, उसका चैलेंज बदलते ही रहता है। वो बोलता है 1996 में ट्रेन में मैं बहुत ट्रैवल किया, मेरे को फोबिया है, ट्रेन बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, लेकिन ये 3 साल जो स्टार्टिंग के थे ना, स्टार्टिंग के 1.5 साल इतना ट्रैवल किया, अंदर एक चीज था, इसीलिए ट्रैवल कर रहा हूं फ्रेंड्स कि आने वाले कल में मेरे खानदान का कोई आदमी साला ट्रेन में पैर नहीं रखेगा। समझ में आ रहा है? हाँ, मेरे खानदान का कोई आदमी ट्रेन में पैर नहीं रखेगा, इसके लिए मैं वो ट्रेन में ट्रैवल किया। बोलने के लिए नहीं है, मैं मानता हूं कि मेरा परिवार वो डिजर्व करता है, क्योंकि मेरे को करना है। अपने को कीड़ा नहीं है करने का, क्योंकि अपने को वो करना नहीं रहेगा ना तो मैं मर जाऊंगा। चैलेंज खत्म हो गया ना, बैटरी खत्म हो गई अपनी। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? हाँ, इसके लिए मैं जाता था ट्रेन में, क्योंकि आज अपने को कोई पहचानता नहीं है। टटक 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 साला 3 साल के बाद में साला अपन ट्रेन में चढ़ेगा तो पूरा मीडिया आना चाहिए कि भैया प्रशांत आ गया, कवर करो इसको। ऐसा एक एटीट्यूड रखो फ्रेंड्स, आप ऐसा एक एटीट्यूड रखो। समझ में आया? तो फ्रेंड्स, ये सब कुछ अगर आपको हासिल करना है, ये सब कुछ अगर आपको चाहिए, तो 3 साल आपकी जिंदगी का डिसाइड करोगे? ये 3 साल आपकी जिंदगी का जरा एक्सरसाइज करो, कितने लोग डिसाइड करोगे? कुछ कुछ हाथ आधा आधा डिसाइड कर रहे हैं। हाँ हाँ, दोनों हाथ, ओके ठीक है। और डायमंड शिप का मंत्र, डायमंड जाना है ना आप लोगों को? किसको? सबको? ये हॉल फट जाना चाहिए फ्रेंड्स, ओके वेरी गुड। तो मेरे सामने बहुत ही मोटिवेटेड लोग बैठे हैं, तो मुझे बताइए आपको डायमंड शिप का मंत्र दे दूं? बहुत तकलीफदायक मंत्र है फ्रेंड्स, उससे भी ज्यादा तकलीफदायक जो आपके शादी के टाइम पे वो साला पंडित ने पढ़ा था। हाँ, उससे भी ज्यादा तकलीफदायक मंत्र है ये। हाँ चलेगा? हाँ मुझे बताइए डायमंड शिप का मंत्र क्या हो सकता है? जिसको मालूम है वो अति इंटेलिजेंट मत बनना, गेस करो डायमंड शिप का मंत्र क्या हो सकता है? हाँ क्या क्या? हार्डवर्क। थोड़ा हम लोग इंटरेक्ट करेंगे तो मजा आएगा फ्रेंड्स, थोड़ा इंटरेक्ट करेंगे ना हम लोग तो मजा आएगा। बोलिए बोलिए डायमंड शिप का मंत्र क्या होगा? यार 3000 लोगों का एंथुसियाज्म है कि ये? हाँ 3000 लोगों का एंथुसियाज्म है ये। हार्डवर्क और क्या? एक्शन। हाँ एक्शन एक्शन, बहुत सही बोला। मैंने बोला ना साला बहुत साला पॉजिटिव है, पर्पस बना के रखा है, लेकिन सुबह सांड की तरह सोते रहता तो कुछ नहीं होने वाला। एक्शन भी जरूरी है, राइट रॉन्ग है फ्रेंड्स? हाँ क्या? प्लानिंग। हाँ मैडम ने बोला प्लानिंग, डायमंड शिप का मंत्र है प्लानिंग, एक बहुत बड़ा सूत्र है डायमंड शिप का प्लानिंग। और बताइए आप लोग, सेट टारगेट। टारगेट होना चाहिए, मतलब टारगेट के पीछे भागने का, आड़े टेढ़े जगह किधर भी भागने का नहीं, एकदम मीनिंगफुल लाइफ होना चाहिए अपना। मीनिंगफुल लाइफ, मीनिंगफुल आदमी, पर्पसफुल आदमी, जिंदगी में पर्पस ओरिएंटेड आदमी, कभी भी कोई टाइम वेस्ट करने वाला नहीं आदमी। हर बार अपने पर्पस के पीछे भागना, हर बार अपने अंदर वो सारे बदलाव लेकर आना जो उसके पर्पस की तरफ लेकर जाते हैं, ऐसा एक पर्पसफुल आदमी बनना डायमंड शिप का मंत्र है, ऐसा इन्होंने मुझे बोला। हाँ
रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना अपने टीम की, अपने परिवार की, अपने देश की, ये समाज की, साला हर एक आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी जब हम लोग उठाते हैं ना तो कमाने की तड़प बढ़ जाती है, क्योंकि अभी एक घर को नहीं 10 घर को पालना है, राइट या रॉन्ग है फ्रेंड्स? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना है ना। जो आदमी, कुछ कुछ लोग होते हैं साला 4 आदमी तुम्हारे नीचे, वो 4 आदमी की जिम्मेदारी तुम नहीं उठा सकते हो, तुमको साला 40,000 का डाउनलाइन देना चाहिए ऊपर वाला, हट हाथू। साला 4 आदमी वो गाली देता है तुमको और ये उसको गाली देता है, राइट रॉन्ग है? 4 आदमी को संभाल नहीं सकते हो तो समझ जाना ऊपर वाला बोल रहा बेटा 40 तो तेरे को दे ही नहीं सकता हूं, क्योंकि 40 दिया तो तेरा तो हाँ गेम ही बच जाएगा तेरा तो, समझ में आ रहा है? तो ऊपर वाला बता रहा है कि लीडरशिप ये है कि तुम्हारे नीचे, कोई कोई बोलते मेरे नीचे ना मेरी तरह ही सब लोग चाहिए, मेरी आदतें जो है ना वो ही फॉलो करना चाहिए, अगर मैं सुबह उठ के पूजा करता हूं तो वो भी पूजा करना चाहिए, उसको मन नहीं है ना, अगर मैं अच्छा आदमी हूं वो तेरे को लगता है तू अच्छा आदमी है, तूने अपने आप को मना लिया तू अच्छा आदमी, तू इतना ही अच्छा है तो कुछ बड़ा कर, तू इतना ही अच्छा है तो गाली क्यों दे, मतलब मेरी तरह बनेगा। अरे मैं हमेशा बोलता हूं फ्रेंड्स, चमन में है ना 1,000 गुल होने चाहिए, सिर्फ तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, सिर्फ हम ही हम है तो क्या हम है, समझ में आया? लीडरशिप का मतलब ऐसे लोगों के साथ में रिश्ता बनाना जो साला आपकी तरह बिल्कुल नहीं है, एकदम आड़े टेढ़े हैं, तुम इधर जाने के लिए बोलते हो तो साला जबरदस्ती उधर जाता है, ऐसे लोगों को मोटिवेट करके उसको डायमंड बना के खुद क्राउन डायमंड जाना, दैट इज लीडरशिप है ना। ये बोलने में कोई लीडरशिप नहीं है, मेरे सब लोग आड़े टेढ़े हैं, मैं ही एक बूंदी का लड्डू हूं, ये बोलना कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, समझ में आ रहा है? ऐसा तो हर कुत्ता बोल सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सब अच्छे लोग आएंगे तो तू डायमंड जाएगा, उसमें तूने कोई कहां से कोई टेक्नोलॉजी लाया नहीं, ये ऐसा रूल ही है, सब अच्छे आएंगे तो हर आदमी डायमंड जा सकता है, समझ में आ रहा है? लीडरशिप क्या है फ्रेंड्स, आड़े तेड़े सबके साथ में मस्त एकदम रिश्ता बना के, बुड्ढों के साथ में बुड्ढा, साला जवान के साथ में जवान, आड़े के साथ में आड़ा, टेढ़े के साथ में टेढ़ा, सबको लीडर बनाना, दैट इज लीडरशिप, समझ में आ रहा है? अरे एक आदमी अगर अपने को बोल देता है, एक आदमी तुम्हारे नीचे अच्छा आदमी आया साला तुम डायमंड बन के खड़ा है, हार चढ़ा रहा है, एक दो हार वार चढ़ गए, बाद में सब लोग के सामने ऐसे देख रहे तो अंदर से आवाज आ रही साला लकी है रे, ऐसा अगर एक बोल दिया तुम्हारे डायमंडशिप में, थू साला अपने को बोलना चाहिए दुनिया का सबसे बदनसीब आदमी फिर भी रॉयल्स रॉयल लेकर घूमता है यार, दैट इज लीडरशिप फ्रेंड्स, समझ में आया? समझो इस बात को, समझ रहे हो आप? तो डायमंडशिप का मंत्र क्या है बता रहा हूं आपको, बोलिए बोलिए बोलिए, हाँ स्ट्रैटेजी और हाँ हाँ हाँ, डायमंडशिप का मंत्र है फ्रेंड्स कंप्लीट। अरे बापरे ये क्या बोल दिए, इसका मतलब तो समझता ही नहीं क्योंकि आज तक लिया ही नहीं, आज तक तो लिया ही नहीं है, ये सब मेरे को नहीं बोलने का। कंप्लीट ओनरशिप का मतलब कोई बताएगा? किसकी? डायमंडशिप का मंत्र है फ्रेंड्स कंप्लीट ओनरशिप। ओनरशिप का मतलब क्या है देखो, पर्पस सेट कर लिया, हाँ क्या हाँ दलवी साहब नमस्कार, ये सब हमारे रोल मॉडल है, मेरे रोल मॉडल है वो, समझ में आ रहा है? तो डायमंडशिप का मंत्र है कंप्लीट ओनरशिप, हमने अपना ओनरशिप दे दिया अपलाइन को, अपने बापू को दे दिया ना, अब तूने पैदा किया है तो भुगत तू, मैंने थोड़ी बोला था, राइट रॉन्ग है? मैक्सिमम लोगों ने अपने जिंदगी का ओनरशिप दूसरे के हाथ में देकर रखा है, अगर RMP में है तो फ्रेंड्स RMP के अंदर अगर हम लोग हैं तो हमारा ओनरशिप किसके पास है? हाँ हमारा ओनरशिप अपने पास में होना चाहिए फ्रेंड्स, जितना जल्दी आप ये सूत्र को समझ जाओगे ना फ्रेंड्स उतना जल्दी आप सक्सेस हो जाओगे, समझ में आया? पूरे धंधे का ओनरशिप किसके पास होना चाहिए? अपने पास, ये अपना धंधा है, मारो धंधो, मेरा धंधा है, मेरा धंधा, मेरे धंधे के लिए जो भी करना है वो सारी चीजें मैं कर सकता हूं। जिस दिन तुम्हें ये बात तुम्हारे दिमाग में फिट हो गई ना, जिस दिन तुमने अपने जिंदगी का कमांड या अपने RMP का कमांड अपने हाथ में ले लिया, ये फिट हो गया ना कि मेरी जिंदगी में जितना भी कुछ बदलाव आएगा वो सारा बदलाव के पीछे 99% जिम्मेदार मैं रहेगा, उस दिन तुम एक सक्सेसफुल आदमी बनने के तरफ पहला कदम उठा रहे हो, दैट इज कंप्लीट ओनरशिप। कंप्लीट ओनरशिप मतलब, कंप्लीट ओनरशिप मतलब साला अगर आप एक नया है, ये लीडर्स के ऊपर है लेकिन फिर भी एक नए आदमी के दिमाग में डालता हूं, प्लान नहीं आता तो प्लान कौन देगा?
हाँ मैं दूंगा, मैं दूंगा, मेरा लीडर नहीं, मैं दूंगा, क्योंकि ये मेरा धंधा है। किसका धंधा है? मेरा धंधा, मेरा धंधा। मैं साला अपने टीम के लिए खर्चा करूंगा। कितने लोग हैं लीडर के पैसे से आए इधर? है मेहरबानी करने आप लीडर पे? साला 200 रुपया, इतने में अपना एथिक्स गड़बड़ा जाता है। वो लीडर ने ना ओनरशिप ली है, समझ में आ रहा है? अपने जैसे गधों को पालने का, समझ में आ रहा है? वो लीडर ने ओनरशिप ली है, वो जाएगा 130। तेरे जैसे लोग है ना साला सिर्फ फॉलोवर बनने के लायक है। तू यहां पे बैठ के हर हर महादेव वंदे मातरम बोलेगा, वो लीडर ने पूरी जिम्मेदारी उठाई है अपने धंधे की, उसको मालूम है ये मेरा धंधा है, समझ में आ रहा है? वो जाएगा 1,30,000। तुमको जाना है तो तुम्हारे लिए तुम करो, तुम्हारे धंधे के लिए तुम करो। तो समझने की कोशिश करो फ्रेंड, कंप्लीट ओनरशिप अपने धंधे का अपने पास में होना चाहिए। एवरी ओनर, एवरी ओनर का मतलब हर ओनर एंटरप्रेन्योर होता है, राइट रॉन्ग है? हम लोग कौन है? एक जॉब ओरिएंटेड आदमी है क्या? नहीं ना। हाँ, और जॉब के एटीट्यूड से फ्रेंड्स कभी भी धंधा मत करना, नहीं तो एक दुकान 1980 में 2040 में भी साला एक ही दुकान रहेगा, क्योंकि वो धंधा भी किया तो जॉब के एटीट्यूड से। क्योंकि धंधा जो होता है ना, धंधा वो धंधे के एटीट्यूड से होता है। नहीं समझा? टमाटर वमाटर मत मारना, मैं खाली बोल रहा हूं, समझना है तो समझो, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं, करो ऐसा। मेरे को थोड़ा सा ये जितने भी बड़े बड़े लोगों ने बोला ये सारी चीजें बता रहा हूं। एवरी ओनर, एवरी एंटरप्रेनर, एंटरप्रेनर का मतलब धंधे वाला आदमी, एंटरप्रेनर का मतलब हाँ बिजनेस करने वाला आदमी। एवरी ओनर हैज टू टेक वन डिसीजन उसकी जिंदगी में। कभी जॉब करने वाले को ये डिसीजन लेने का जरूरत नहीं पड़ता है अपने लाइफ में, उसको कभी डिसीजन लेने का जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि उसकी जिंदगी के सारे डिसीजन उसका बॉस लेता है, उसका डैडी लेता है, उसका बड़ा पिताजी लेता है, उसका ससुर लेता है, उसके दोस्त लेते, वो कभी जिंदगी में डिसीजन नहीं ले सकता फ्रेंड्स, लेकिन लेना पड़ता है एक धंधे वाले को। जब भी एक आदमी ने बोला कि साला मैं ओनरशिप ले रहा हूं, तो उसको एक डिसीजन लेना पड़ता है कि आई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर माई फ्यूचर ग्रोथ, मेरी जिंदगी, मेरा भविष्य मेरे कमांड में रहेगा। समझ में आया? मेरा भविष्य किसके कमांड में रहेगा? मेरे कमांड में। मेरा भविष्य किसी और के कमांड में हो ही नहीं सकता, मेरा भविष्य मेरे कमांड में। मैं अपने अंदर वो सारी जिम्मेदारी लेता हूं, मैं अपने अंदर वो सारे कौशल्य को, मैं अपने अंदर वो सारे एटीट्यूड को, मैं अपने अंदर वो सारे एंथुसियाज्म को, मैं अपने अंदर वो सारे स्किल्स को, वो पागलपन को, जितना भी नॉलेज का जरूरत है, इन फ्यूचर जितने भी नॉलेज की जरूरत है ये धंधे को आगे बढ़ाने के लिए, वो सारा चीजें मैं अपने अंदर लेकर आऊंगा, मेरे फ्यूचर के लिए, मेरे कंपनी ग्रोथ के लिए, मेरे फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए, मेरे पर्सनल ग्रोथ के लिए कौन जिम्मेदार हूं? मैं। ये हर धंधे वाले को ये डिसीजन लेना पड़ता है फ्रेंड्स। जो भी आदमी बिजनेस चालू करता है, एक एंटरप्रेनर बनने का, जब भी वो डिसीजन लेता है, आपने डिसीजन लिया आरएमपी करने का? लिया आपने? ओनरशिप लो अपने धंधे की। ये मत सोचो कि मैं 22 साल का हूं, ये मत सोचो कि मैं 21 साल का हूं, ये मत सोचो कि मैं 19 साल का हूं, साला मैं कैसा ओनरशिप ले सकता हूं, मेरी कोई बात सुनता नहीं है। मैं हर एक यंग लड़के को बोलता हूं, तुम छोटे हो, वो तुम्हारा लक है आरएमपी में आने का। समझ में आ रहा है? क्योंकि जितना भी टाइम जो लोगों को करने के लिए जाएगा, आप उतने टाइम में रिटायर हो जाओगे। वो लाइफ दिखना चाहिए आपको। अपने धंधे का ओनरशिप लो दोस्तों। अपलाइन नहीं, कंपनी नहीं, ये नहीं, वो नहीं, जो भी करूंगा मैं करूंगा। क्योंकि ये जितने भी लोग डायमंड्स गए हैं ना फ्रेंड्स, वो अपने दम पर गए हैं। समझ में आ रहा है? तो अपने फ्यूचर ग्रोथ हर एक चीज के लिए। और एक बात याद रखना दोस्तों, जब भी फ्यूचर में एंटर करो तो पास के नॉलेज को पीछे छोड़ के फ्यूचर में एंटर करो। नहीं समझाइए? तुम्हारे तजुर्बे को छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारा तजुर्बा जो था ना, वो 2008 2009 का, 2012 में काम नहीं आएगा। तुम्हारा जो 2008 में 2009 का तजुर्बे को लेके अगर तुम 2012 या 2013 जियोगे तो मर जाओगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं क्या, मेरे को बहुत तजुर्बा है। वो तजुर्बा किस चीज का है? जो तेरे को मालूम है। तेरे को वो नहीं मालूम है जो तेरे को नहीं मालूम है। तेरे को अभी आने वाले फ्यूचर के लिए वो चीजें हासिल करनी है जो तेरे पास में नहीं है, तो वो चीजें सीखनी पड़ेगी, वो एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा जो तूने अभी तक लिया नहीं है। नहीं समझ में? तो वो काम करो, ऑलवेज कीप योर लर्निंग, अपने तजुर्बे को, क्योंकि अपने पास जो तजुर्बा है ना, वो किस चीज का है? कैसा गाड़ी नहीं लेने का, क्योंकि गाड़ी लेने का तजुर्बा होता तो गाड़ी होती,
कैसा अपने सपनों का घर नहीं लेने का। लोग बोलते हैं ना मैं बहुत तजुर्बेकार हूं। तजुर्बा किस चीज का है कि कैसे अपनी जिंदगी में सिर्फ एडजस्टमेंट करने का साला सपनों को काट काट के बीवी बच्चों के सपनों को मार मार के अपनी तरह बनाने का तजुर्बा है, वो तजुर्बा नहीं है। वो तजुर्बा नहीं है दोस्तों जो सपनों तक जाने का है, क्योंकि वो तजुर्बा रहता तो हाँ, तो बी इन अ लर्निंग मोड, बी इन अ लर्निंग मोड। फ्यूचर में जाना है तो फ्यूचर का नॉलेज लगेगा, फ्यूचर का कौशल लगेगा। पास्ट में तेरे पास में लीडरशिप स्किल नहीं था साला, 100 जोड़ी पे आके, 50 जोड़ी पे आके, 25 जोड़ी पे आके अटका हुआ आदमी। अब यही तजुर्बे के साथ में तू आगे एंटर करेगा, तू वापस अटकेगा। पास्ट में तेरे साथ में लोग नहीं जुड़ते थे साला, तू वही डायलॉग मारता था, मेरे पास टाइम नहीं है। सर आपके पास कभी टाइम आएगा? मेरे पास पैसा नहीं है। सर कभी आएगा? मैं कभी आऊं? यही डायलॉग मारता था, लोग बोलते थे हड़ हुड़। अब यही डायलॉग के साथ में तू आगे फ्यूचर में जाएगा, तू मरेगा। क्लियर हो रहा है? कभी भी अपने लर्निंग को है ना फ्रेंड्स, अपने सीखने के नजरिए को, पास्ट का एक ही औकात है कि पास्ट को कभी रिपीट मत करना। समझ में आ रहा है? पास्ट का है ना एक ही औकात है कि उसको कभी रिपीट मत करो फ्रेंड्स, छोड़ दो, अपने फ्यूचर को बड़ा बनाओ। मेरा जो 18 लाख अगर मैं कमाता हूं या जो भी कमाता हूं, उसकी वही औकात है कि मैं 2011 में 18 लाख नहीं कमाऊं। मेरा जो BMW है उसकी वही औकात है कि 2012 में मैं उसमें ना घूमूं। मेरा जो तजुर्बा है उसकी वही औकात है कि मैं आगे वो तजुर्बे के साथ में आगे नहीं जाऊं। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? नहीं समझो, कॉम्प्लिकेटेड है, नेक्स्ट टाइम समझ लेना। क्लियर हो रहा है फ्रेंड्स? तो अपना फ्यूचर को अपना कमांड में लेने का। अब मैं आगे चलूंगा एक ब्रेक के बाद, फटाफट ब्रेक लेके आइएगा फ्रेंड्स, अपने पास में बिल्कुल टाइम नहीं है, जितना जल्दी हो सके आइए, मजा करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। दोस्तों प्लीज सब लोग बैठ जाइए अपनी जगह पे। बैठ जाइए, चाय सबको मिलेगी। दोस्तों आप सभी के पास जो टिकट है उसी के साथ अटैच किया हुआ लकी ड्रॉ कूपन है, उसे प्लीज़ बाहर ISC के काउंटर पे डाल दीजिएगा। आज का जो टॉपिक है बिल्डिंग या नेटवर्क पार्ट 2, उसी का CD बाहर ISC के काउंटर पे बुकिंग चालू है, जिसका फीस 200 है, तो प्लीज़ बुक करवा दीजिएगा। राजेश टैगोर सर का प्रोग्राम है 20 मई को, जिसका टॉपिक है जोड़ो हमेशा के लिए, वो मुलुंद कालिदास हॉल में है, जिसके टिकट्स बाहर ISC के काउंटर पे अवेलेबल है। राजेश टैगोर सर का दूसरा दो प्रोग्राम है बड़ौदा और ऊंझा में, ऊंझा में है 15 मई को और बड़ौदा में है 17 मई को, जिसका टॉपिक है 0 to Hero, तो जिनकी भी टीम वहाँ पे रहेगी प्लीज़ उन्हें इन्फॉर्म कर दीजिएगा। अब हम लोग 10 मिनट के ब्रेक के बाद मिलते हैं, थैंक यू। सब लोग प्लीज़ जल्दी जल्दी अपनी जगह पे बैठ जाइए, क्योंकि टाइम की बहुत कमी है हमारे पास। सब लोग सेट, जोरदार तालियां प्रशांत सर के लिए। बैठ जाओ यार, जय हो जय हो। ऊपर वाले, अभी ये ऊपर वाले की बात कर रहा हूं मैं यार। एक बार ऐसे लगना चाहिए कि 3,000 लोग बैठे हैं, ऐसा एक वापस से एक एंथुसियाज्म के साथ में चालू करते हैं ना, तो RMPNs का जोश कैसा होना चाहिए यार। यस 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 यस, चालू रखो
मान यार, चलो यार, ऊपर वाले चालू रखो, चालू रखो। थैंक यू। वेरी गुड। ये जोश अपना पूरी जिंदगी बरकरार रखना है ना, क्योंकि फ्रेंड्स अपने को ही दिखाना है कि जोश क्या होता है ये दुनिया को, है ना। वेरी गुड फ्रेंड्स। लेकिन अपना अपना एंथुसियाज्म को बचा कर रखना, अपने पॉजिटिवनेस को बचा कर रखना। बहुत साले साले ड्रीम स्टीलर बोलते हैं उनको मैं ड्रीम स्टीलर बोलता हूं, जो अपने सपनों को, हाँ, अपने कॉन्फिडेंस को तोड़ने के लिए आते हैं, है ना। हाँ, लेकिन साला अपना सपना इतना बड़ा होना चाहिए कि वो भी देख के घबर जाना चाहिए, राइट। ओके फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं। अभी अपना मोटिवेशन थोड़ा कम समझने का सिलसिला हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ओके, लास्ट में अपन सब लोग नाचेंगे भी। ओके, आगे बढ़ते हैं, राइट फ्रेंड्स। मैंने पूछा व्हाई ओनरशिप के बारे में हमने बात की थी, है ना। ओनरशिप लेना पड़ेगा, अपने को जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। आज के बाद में हम लोग एक ऐसा बंदा बनेगा या ऐसा व्यक्तित्व वाले इंसान बनेंगे जो आज के बाद में हर काम करेगा, जो चैलेंजफुल करेगा, साधारण काम नहीं करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा, ब्लेम नहीं करेगा, राइट रॉन्ग है फ्रेंड्स। हार्डवर्क करेगा, पूरी जिंदगी एंथुसियास्टिक रहेगा, खाली एक दिन या एक महीना या तीन घंटा या चार घंटा या एक साल नहीं, पूरी जिंदगी एंथुसियास्टिक रहने की कसम हमको यहां से खानी है फ्रेंड्स, राइट, है ना। ऐसा हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो हमने ये भी डिस्कस किया था कि अब ओनरशिप लेना पड़ेगा, लेकिन ये भी तो पक्का है ना कि आदमी ओनरशिप लेता क्यों है? कोई बताएगा मुझे क्यों ओनरशिप लेना है अपने को? क्यों? अभी ये समझने का सिस्टम हम लोग चालू करते हैं। अपने को ओनरशिप क्यों लेना है? क्योंकि फ्रेंड्स अगर ओनरशिप लेना है, इतना सारा चक्कर अपने को चलाना है जिंदगी में, साला 3% के अंदर आना है, ये देश को डेवलप करना है, लोगों की जिंदगी बदली करनी है अपने को, कम से कम मरते मरते 1 करोड़ आदमी लोग तो बोले कि साला यार ये कौन चला गया, राइट रॉन्ग है, कम से कम एक 15-25 साल तक, है ना। तो इतना सब कुछ अपने को करना है फ्रेंड्स, तो कोई छोटी चीज के लिए करना है? क्योंकि 15-20 हजार रुपया तो ये सब कुछ नहीं किए बिना भी अपने घर पर आता था, बिना चैलेंज लिए भी अपन 50,000 का आइटम तो बन ही गया था, राइट रॉन्ग है। बिना चैलेंज लिए भी अपन 60-70 हजार रुपए तो अपनी जिंदगी में कमा ही लेते थे, वही महाड़ा के घर में रहते थे साला, वही चूना एडजस्टमेंट की जिंदगी भी अपने को एकदम पसंद आ गई थी। ऐसा कोई टफ नहीं है अभी अपने लिए एडजस्ट करना, क्योंकि कर करके माइंड का प्रोग्रामिंग वैसा हमने कर दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने को अपनी जिंदगी में। अब ये कीड़ा ओनरशिप का डालना है अपने को, तो क्यों डालना है? हाँ, अपने पर्पस के लिए, लेकिन कुछ बड़े पर्पस के लिए ना, मतलब कुछ ऐसा मिलने की बात करो प्रशांत सर जो साला दुनिया में बहुत कम लोगों को मिला है, तो अपन ये ओनरशिप लेने के लिए तैयार है, राइट रॉन्ग है। हाँ, क्योंकि मैं तो पढ़ा लिखा नहीं था, मार्केटिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, मैं बोला हटा सावन की घटा, अपने को कुछ नहीं पढ़ा हुआ है, मार्केटिंग नहीं किया तो साला करेगा, ओनरशिप नहीं लिया तो लेगा, ब्लेम आज तक करता हुआ आया था, ब्लेमिंग छोड़ना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा तो लेगा। लोगों का झापड़ सुनना है, मारना है, लोगों का झापड़ खाना है, दुख झेलना है, ये सारी चीजें अपन करेंगे, लेकिन कुछ बड़ा मिलना चाहिए, राइट रॉन्ग है फ्रेंड्स। क्योंकि छोटे मोटे चीजों के लिए 50,000 लाख रुपए के लिए ये सब करने का अपने को जरूरत नहीं है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं व्हाई ओनरशिप। मेरे हिसाब से ओनरशिप लेने का नेटवर्क मार्केटिंग में एक चीज मिलता है अपने को, दैट इज यार पूरा हॉल साथ में बोलेगा तो मजा आएगा, दैट इज फ्रीडम। अच्छा, फ्रीडम आज तक अपने को मालूम था कौन कौन से फ्रीडम मिलते हैं आरएमपी में? हाँ, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी, ये सारी चीजें अपने को मिलती है ना, राइट रॉन्ग है। लेकिन मेरे हिसाब से उसके अलावा भी बहुत कुछ सारी चीजें मिलती है फ्रेंड्स। क्यों? मेरे हिसाब से फ्रेंड्स, जब भी हम लोगों ने डिसीजन लिया, द डिसीजन टू बी अ प्रोफेशनल नेटवर्क मार्केटर्स बॉइल्स डाउन द डिजायर फॉर फ्रीडम। जब भी हमने डिसीजन लिया कि हम एक प्रोफेशनल नेटवर्क मार्केटर बनेंगे और ट्रूली प्रोफेशनल बनेंगे, अपन साला विनोद कामली नहीं बनेंगे, अपन इसका सचिन तेंदुलकर बनेंगे, अपन अलका याग्निक नहीं बनेंगे, साला इसका लता मंगेशकर बनेंगे, अपन ये रोड पे तबला बजाने वाला सुरमा भोपाली नहीं बनेंगे, अपन साकिर हुसैन बनेंगे, राइट रॉन्ग है। जब भी अपन ने ऐसा डिसीजन लिया एक नेटवर्क मार्केटर बनने का, एक ट्रूली प्रोफेशनल बनने का, तो फ्रेंड्स उसके पीछे एक वजह थी कि अपने को क्या चाहिए? फ्रीडम। आज तक अपने को लगा कि अपने को टाइम फ्रीडम मिलता है, मनी फ्रीडम मिलता है, सिक्योरिटी मिलता है, राइट रॉन्ग है। द अपॉर्चुनिटी टू कंटिन्यूली एक्सपांड योर पर्सनल फ्रीडम इज व्हाट डिस्टिंग्विश प्रोफेशनल नेटवर्क मार्केटर फ्रॉम दोज हु वर्क अंडर अ ब्यूरोक्रेटिक मॉडल।
जब हमने डिसीजन लिया, अभी ये समझो कि आपको धीरूभाई और शिवाजी सुनना है अभी भी नहीं ना, क्योंकि ओवर मोटिवेशन भी होगा ना तो नहीं चलेगा, नहीं तो क्या होगा, यहां से नाचते गाते हुए सब अपन चले जाएंगे और बाद में बाहर पूछा क्या सीखा, ऐसा तो कुछ नहीं था, नाचा बहुत, राइट रॉन्ग है। तो फ्रेंड्स, हमने जब भी डिसीजन लिया कि एक प्रोफेशनल नेटवर्क मार्केटर बनना है, ये ब्यूरोक्रेटिक मॉडल के अंदर जितने भी लोग काम करते हैं उनको ये सारे फ्रीडम्स नहीं मिलते हैं। दुनिया में बहुत चंद तका लोग हैं, बोलने के लिए, बात करने के लिए बहुत कुछ सारी चीजें बोलेंगे, लेकिन ब्यूरोक्रेटिक मॉडल में अगर अपने को काम करना था तो अपने को पैसे के लिए नहीं और बहुत सारे फ्रीडम अपने को मिलते हैं इसके अलावा भी। जब भी हमने डिसीजन लिया नेटवर्क मार्केटर बनने का, क्यों? अपने पर्सनल फ्रीडम को पाने के लिए, अपने पर्सनल फ्रीडम को पाने के लिए। ये जितने भी लोग यहां पर काम करते हैं इसमें से 90% लोगों के पास ये फ्रीडम नहीं है। कहने के लिए ये लोग तोप है, कहने के लिए ये लोग एटम बॉम्ब है, लेकिन अंदर से रात को सोने के टाइम पे साला अपति बॉम्ब की तरह आवाज करते हैं। हाँ, क्योंकि कहने के लिए इनके पास में स्कॉडा है, कहने के लिए इनके पास में साला होंडा सिटी है, लेकिन वो फ्रीडम नहीं है जिसके लिए ये लोग एक डिजायर रखते थे। वो जो फ्रीडम है ना, वो नेटवर्क मार्केटर को मिलता है और आरएमपीएस के डायमंड्स को मिलता है, आप लोगों को मिलेगा। समझ में आ रहा है, राइट? हाँ, ये फ्रीडम अपने को मदद करती है, ये फ्रीडम अपने को मदद करती है वो सारी चीजों को। ये फ्रीडम जब हम लोग आरएमपी करने का डिसीजन लेते हैं, अपने को आरएमपी करना क्यों है? पर्पस तो हमने डिसाइड कर लिया कि साला बहुत बड़ा कुछ अपने को करना है, छोटा मोटा पर्पस नहीं बनाना है। लेकिन इसके अलावा समझने की कोशिश कीजिए कि अपने को नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन में अपन आए क्यों है। ये फ्रीडम पाने के लिए ऐसी सारी चीजों को अपनी जिंदगी में से एलिमिनेट करने के लिए जिसकी जरूरत अपनी जिंदगी में नहीं है। अपने को फ्रीडम मिलता है कि अपनी जिंदगी को एकदम खुशहाल बनाने का, अपनी जिंदगी में से ऐसी सारी चीजें निकाल के फेंकने का, ऐसे सारे रिलेशंस को निकाल के फेंकने का, ऐसे सारे ऑब्लिगेशंस को निकाल के फेंकने का जिसको अपने को जिंदगी में जरूरत नहीं है। आज अपने को अपने सारे रिलेशंस को कट ऑफ करने होता है कि साला वो आदमी जिसके साथ में एक ब्यूरोक्रेटिक मॉडल में काम करने वाला आदमी, ऐसे आदमी के साथ में, ऐसे वर्कर्स के साथ में सालों को रिश्ता बनाना पड़ता है जिसको वो लोग बिल्कुल नहीं पसंद करते, लेकिन उनके पास वो फ्रीडम नहीं है कि उससे वो रिलेशन कट ऑफ करे। हम लोग एज अ जॉब करने वाले लोग, हम लोग अपनी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने बॉस को पसंद नहीं करते, राइट रॉन्ग है, जो ऑफिस के पॉलिटिक्स को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी अपने को रिश्ता बना के रखना पड़ता है उनसे, अपने पास में उनसे रिश्ता तोड़ने का फ्रीडम नहीं है। समझ में आ रहा है? ये फ्रीडम एक परफेक्ट फ्रेमवर्क है, एक परफेक्ट फ्रेमवर्क है फॉर द परमानेंट फाउंडेशन ऑन विच यू कैन बिल्ड गोल्स फॉर द रेस्ट ऑफ योर फ्यूचर। आज ये फ्रीडम जो मेरे पास में है, आपको ये स्टेज पर आना है कि नहीं आना है? फ्रेंड्स, आप अपने आप को इस काबिल समझते हो कि नहीं समझते हो? आज मेरे पास में जो फ्रीडम है, मैंने बोला कि मुझे 18 लाख रुपया महीने का कमाने में पहुंचने तक मुझे लगा कितना, 4.5 साल, लेकिन मैंने नेक्स्ट 6 महीने में क्या बोला आपको, 50 लाख रुपया। अगले 2 साल में क्या बोला, 1 करोड़ रुपया। बोला कि नहीं बोला? तो आज मेरे पास में वो फ्रीडम है कि मैं अपने आने वाले फ्यूचर में ये 3 साल साला मैं मरा, ये 3 साल मैं धक्के खाया, ये 3 साल झापड़ खाया, क्यों? ये फ्रीडम अचीव करने के लिए कि आने वाले फ्यूचर में मेरी जिंदगी में मुझे वो फ्रीडम मिले जहां पे मैं अपनी जिंदगी अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे जी सकूं। आज मैं स्ट्रैटेजी बना सकता हूं कि मुझे अगर 10 करोड़ रुपया चाहिए महीने का तो कैसे बनाऊं। समझ में आ रहा है? आज मैक्सिमम लोगों के पास में पर्पस है, लेकिन साला उनका पूरा 12 घंटा 14 घंटा जाता किधर है? ऐसे अनपर्पसफुल जगह पे, ऐसे अनप्रोडक्टिव जगह पे उनका माइंड डालना पड़ता है उनको। दुकान में ये वेंडर आया कि नहीं, साला वो बिल बनाने का है, वो बॉस ने इधर भेज दिया तो उधर जाने का है, मतलब दिमाग में भरा क्या है? आज मेरे पास में वो फ्रीडम है जहां पे मैं मेरे फ्यूचर के लिए स्ट्रैटेजी बिल्ड कर सकता हूं। आज मेरे पास में वो फ्रीडम है जहां पे मैं मेरे फ्यूचर के लिए स्ट्रैटेजी बिल्ड कर सकता हूं, जहां पे मैं 10 करोड़ का प्लानिंग कर सकता हूं, प्लस वो 10 करोड़ के लिए पूरा का पूरा 30 दिन मेहनत कर सकता हूं। समझ में आ रहा है? वो 1 करोड़ के लिए पूरा का पूरा 30 दिन मैं मेहनत कर सकता हूं क्योंकि आई एम टोटली फ्री। क्लियर हो रहा है? कितने लोगों को ये लेवल का एहसास हो रहा है जो मैं कहने की कोशिश? अब मैं अपनी जिंदगी ये 18 लाख ये 15 लाख में नहीं बिता सकता, अब मुझे 10 करोड़ चाहिए तो मैं कमा सकता हूं क्योंकि आई एम टोटली फ्री।
मुझे अब ये 18 लाख कमाने के लिए भरतनाट्यम कुचिपुड़ी करने की जरूरत नहीं है। अब मैंने अगर बोला कि मुझे पेंट हाउस बनाना है, अब मैंने मुझे अगर बोला कि मुझे स्नेहालय बनाना है, अब मुझे मैंने बोला कि अगर मुझे मेरे जिंदगी को एक कॉज के लिए डेडिकेट करना है, क्योंकि आई एम टोटली फ्री, मैं कर सकता हूं। हर आदमी के अंदर वो भावना होती है कि मैं समाज के लिए कंट्रीब्यूट करूं, लेकिन वो फ्री नहीं होता है। एक ब्यूरोक्रेटिक मॉडल में काम करने वाला बिजनेसमैन भी फ्री नहीं होता है, उसके अंदर भी वो आग रहती है कि मैं समाज के लिए कुछ तो कंट्रीब्यूट करूं, साला झाके एक झाड़ी लगा दूं मैं, लेकिन वो फ्री नहीं। समझ में आ रहा है? पहला, फ्रीडम अपने को क्या मिलता है, इसका मतलब क्या है? द फ्रीडम टू कंटिन्यूली बिकम द पर्सन who represent your deepest value and highest idea. हर आदमी के दिल में कभी ना कभी एक तमन्ना थी कि साला मैं भी सचिन तेंदुलकर की तरह क्रिकेट खेलूं, right or wrong है? कितने तमन्नाओं को मारा? हर आदमी के अंदर कभी तमन्ना थी कि साला मैं भी एक्टर बनूं? हर आदमी के अंदर कभी तमन्ना थी कि यार मेरा ये स्पिरिचुअल गुरु है, उसका जैसा उसके तरह बनना है? कोई भी स्पिरिचुअल गुरु हो सकता है आपका, कोई भी, जिसको भी आप मानते हो, उसकी तरह बनना, क्योंकि वो मेरा आइडियल है, वो मेरा रोल मॉडल है। समझ में आ रहा है? लेकिन अभी हम लोग बन सकते हैं क्या उसकी तरह, क्योंकि हम लोग फ्री नहीं है। साला अपन वही अटके हुए हैं रैट रेस में, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000। अरे ब्यूरोक्रेटिक मॉडल में लाख भी कमाता है ना, तो बेड के ऊपर सोने के टाइम पे अपने आप को पूछ कि मैं कितना सक्सेसफुल हूं। अगर एक टॉप पेप्सी कंपनी का सीईओ भी है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल का ओपन चैलेंज है फ्रेंड्स, अपने आप को पूछो कितना सक्सेसफुल है, क्या ये फ्रीडम है तुम्हारे पास? आज मेरे अंदर का डिजायर है कि मैं धीरूभाई अंबानी बनूं, लेकिन मैं अगर फैक्ट्री में बनता तो वो डिजायर मेरे मौत के साथ में मर जाती। लेकिन आज मैं टोटली फ्री हूं, क्योंकि मेरा फैमिली मेरे पैसों के साथ में, मेरे ड्रीम इनकम के साथ में फ्री है। अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है कि मेरे फैमिली का क्या होगा। मेरा फैमिली मेरे ड्रीम इनकम के साथ में सिक्योर है, उनके ड्रीम इनकम के साथ में सिक्योर है। अब आई एम टोटली फ्री। समझ में आ रहा है? अब मैं बन सकता हूं धीरूभाई अंबानी अगर मुझे बनना है। मेरे जिंदगी का कॉज है, किधर भी रहूं अपन फॉलोवर बनेगा नहीं, अपने को लीडर बनना है। जहां पर भी रहेगा नंबर वन बनने के लिए ही भागेगा। समझ में आ रहा है? आई एम टोटली फ्री। अब आप अपने आप को महसूस करो, एक चार साल के बाद आप टोटली फ्री हो एक ड्रीम इनकम में। गेटिंग माई पॉइंट? लेकिन अभी बोलेगा मेरे को सुबह उठ के कम 2 घंटा मेडिटेशन करना है, नहीं चलेगा। करना है तो कर, मेरे को प्रॉब्लम नहीं। अभी तू बोलेगा कि मुझे रोज सुबह कम से कम 11-12 बजे तक साला जिम करना है, नहीं चलेगा। क्योंकि 11-12 बजे तक तो तेरा 3 प्लान हो जाना चाहिए, अगर तेरे को पूरी जिंदगी 3 साल के बाद में हेल्थ बनाना है तो। मुझे देखा होगा बहुत सारे लोगों ने, आई एम टोटली फ्री, मुझे देखा होगा बहुत सारे लोगों ने, पिछले 2-3 महीना पहले मैं कम से कम 12-15 किलो था वेट में, आज 3 महीने में 12 किलो कम किए। क्यों? आई एम टोटली फ्री। अब ट्रेनर को बुला के बोलूंगा डाल साले 6 पैक अंदर, 6 महीने के बाद मैं 6 पैक में मिलूंगा, मैं आई एम टोटली फ्री। समझ में आ रहा है? आज मैं जैसा पसंद करता था, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि साला एकदम मस्त घूमने का, फ्री घूमने का, एकदम टी शर्ट विशर्ट पहन के एकदम मस्त घूमने का। लेकिन ब्यूरोक्रेटिक मॉडल में अपन घूम सकते हैं क्या? क्योंकि वहां पर हम लोग फ्री नहीं, राइट रॉन्ग है? नेटवर्क मार्केटर क्यों बनना है? अब मुझे जितने भी लोग ये हॉल के बाहर मिलते हैं, कभी भी मिलते हैं मेरे लीडर्स, मैं जीन्स और टी शर्ट में मिलता हूं, या तो जीन्स और एकदम मस्त फॉर्मल शूज वूज पहन के घूमता हूं, क्योंकि आई एम बी। समझ में आ रहा है? तो अपने आइडियल की तरह बनने का, उसको ओवरटेक करने का एक फ्रीडम मिलता है। आप फ्यूचर को देख पाते हो? जितने भी ये सक्सेसफुल लोग हैं, सब फ्यूचर ओरिएंटेड लोग हैं। इनको यहां पर बैठ के, ये हॉल में बैठ के कल दिखाई देता है, इसके लिए वो लोग सक्सेसफुल है। समझ में आ रहा है? आपको बैठ के दिखाई दे रहा है आपका कल, आप ऐसे बन सकते हो? समझ में आया? फ्री टाइम, आज हमारे पास फ्री टाइम है क्या? चैलेंज करता हूं मैं, नेटवर्क मार्केटर बनने का डिसीजन लिया ना, तो समझने की कोशिश करो अपने को क्या मिलने वाला है, अपने को क्या मिलने वाला है, हम लोग क्यों काम कर रहे हैं। आने वाला 40 साल का गारंटी वारंटी जूस सबके पास में है इधर। समझ में आया? ये सारा है अपने पास में, तो अपने को क्या मिलने वाला है वो महसूस करो। फ्री टाइम आज है अपने पास में फ्रेंड्स। फ्रीडम टू प्लान फॉर द freedom to plan and increase the amount of meaningful and rejuvenating free time. आज टाइम तो है, रोकड़ा है क्या? है? टाइम तो है, रोकड़ा है क्या? मैं जिंदगी जीना चाहता हूं आने वाले 5 साल के बाद में। मेरा ड्रीम है महीने का सिर्फ 3 दिन काम करूं। कितना?
महीने का सिर्फ 3 दिन काम करूं, मैं ये नहीं बोलूंगा कि साला काम करना है। पैसे के लिए अगर मेरा ड्रीम इनकम जो भी है उसके लिए मैक्सिमम महीने का सिर्फ 3 दिन काम करूंगा मैं, कितना 27 दिन अपने को फ्री टाइम एंजॉय करना है, 24 दिन अपने को फ्री टाइम एंजॉय करना है, 3 दिन काम करूंगा और बाकी का 3 दिन सिर्फ ये सोचूंगा बाकी के 3 दिन में काम करना क्या है मेरे को, क्योंकि आई एम टोटली फ्री। समझने में आ रहा है आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? कैसी होगी हमारी जिंदगी जब हम लोग ये पोजीशन पे आएंगे आने वाले 7 साल के बाद में, 8 साल के बाद में, 9 साल के बाद में? अभी का मत देख, फ्यूचर को देख, उसके लिए आज मरना पड़ेगा, उसके लिए आज मरना पड़ेगा फ्यूचर के लिए। देख कैसा होगा जिंदगी, एक ड्रीम इनकम है आज से 7 साल के बाद तुम लोगों का, वो ड्रीम इनकम कम से कम एक 10 साइट आरएमपी से सीलिंग, एक 7 साइट आरएमपी से सीलिंग, कम से कम महीने का 1 करोड़ का इनकम, ये महीने के 1 करोड़ के इनकम में, ये महीने के 1 करोड़ के इनकम में हर महीना आप कितना जमीन ले सकते हो, कितना जगह इन्वेस्टमेंट कर सकते हो? समझ में आ रहा है? ये ब्यूरोक्रेटिक मॉडल में पॉसिबल है क्या? जिंदगी जीने का तरीका नेटवर्क मार्केटिंग है अगर सिस्टमैटिकली किया तो। समझने की कोशिश करो, यहां पर बैठकर हर एक आदमी विजुअलाइज कर, 7 साल के बाद, 8 साल के बाद तुम्हारे पास में 1000 एकड़, 2000 एकड़, 3000 एकड़ का लैंड है, उसके अंदर एग्रीकल्चर हो रहा है, साला 500 लोग उधर लगे पड़े हुए हैं, हर महीना कम से कम वो जमीन तुमको कमा के दे रहा है 10 करोड़, 15 करोड़, तुम्हारे पास में तुम्हारा एक ब्यूटीफुल सा बंगलो है। इमेजिन करो, तुम्हारे पास में एक ब्यूटीफुल सा बंगलो है, आज मरना पड़ेगा, एक ब्यूटीफुल सा बंगलो जिसका गेट तुम्हारे पैलेस से, वो पैलेस है, पैलेस बंगलो नहीं, वो पैलेस से कम से कम 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर गेट है, क्योंकि उतना तो खाली गार्डन है, साला बीएमडब्ल्यू लेकर वहां पर कोई आएगा ना तो उसको वॉचमैन बोलेगा, सोचो तुम्हारा लाइफ ऐसा हो सकता है, उसको वॉचमैन बोलेगा बीएमडब्ल्यू साइड में रख, क्योंकि हमारे पैलेस का रूल है हर विजिटर को रॉयल्स रॉय में लेकर जाया जाएगा। सोचो, इमेजिन करो, इमेजिन करो वो लाइफ, उसके लिए आज मरना पड़ेगा। कैसी होगी जिंदगी, तुम साला यहां पर, वो पैलेस कहीं पर यहां से 100 किलोमीटर दूर है समझो, तुम साला यहां पर एक ब्यूटीफुल सा सी फेसिंग बंगलो के अंदर बैठा है, पूरा फ्री, महीने का 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ का महीने का इनकम। समझ में आ रहा है कैसा रहेगा लाइफ तुम्हारा? काम करने का जरूरत नहीं, पूरा दिन एंजॉयमेंट। आज हमारे पास ऐसा है क्या फ्रेंड्स? आज हमारे पास में टाइम है, क्वांटिटी है, क्वालिटी है क्या? आज वही UDP होटल और हम लोग बोलते हैं उधर का वड़ा सांबर बहुत अच्छा है, उधर ही जाने का। क्वालिटी है हमारे फ्री टाइम की? अपन बोलते कशाला मॉरिशस माथेरा ना है ना, रही तिकड़े जाऊया, राइट रॉन्ग है? फ्री टाइम जाते हो गांव में, जाते हो माथेरान, मॉरिशस है क्या? है चाय है, ताज की है क्या? है गाड़ी है, वैगनार है, रॉयल्स रॉय है क्या? फ्री है, क्वालिटी है, एहसास कर सकते हो अपने 10 साल के बाद का फ्यूचर आप लोग यहां बैठ के? दिखाई देता है? कोई कोई लोग है ना घबराए हुए, सर हार्ट अटैक आ जाएगा, ये सब मत बोलो, राइट रॉन्ग है? तो ये फ्रीडम चाहिए अपने को अपनी जिंदगी में, ये फ्रीडम चाहिए अपने को अपनी जिंदगी के अंदर, फ्रीडम, फ्रीडम, तीसरा फ्रीडम एनर्जी। साला अपना पूरा एनर्जी, पूरा जूस अपना निकल जाता है ऐसे एक्टिविटीज में जो एनर्जी ड्रेनिंग है। देखो आप, फ्रीडम फ्रॉम द एनर्जी ड्रेनिंग एक्टिविटीज, रिलेशनशिप, सिचुएशन, ऑब्लिगेशन, कितने सारे सिचुएशंस अपनी जिंदगी में ऐसा आ जाता है जहां पे घर पे एक आदमी बीमार पड़ा हुआ है, आज अपना मम्मी, अपना डैडी, अपना बच्चा, उसका इलाज के लिए ऐसे सिचुएशन में हम लोग आ जाते हैं जहां पे 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख का जरूरत है। एनर्जी ड्रेनिंग सिचुएशन है वो, पूरा साला पागल हो जाते हैं हम लोग। कितने लोगों के ऊपर कितनी सारी तुम लोगों की लाइबिलिटीज है, ये एनर्जी ड्रेनिंग नहीं है ऐसा सिचुएशन, एनर्जी ड्रेनिंग सिचुएशन नहीं है जब अपन एक फैमिली गेट टुगेदर में जाते हैं और वो गेट टुगेदर में अपने खानदान में 4-5 लोग रईस हैं और अपन साला गरीब की तरह वहां पर कोने में खड़े रहते हैं कि साला इन लोगों के बीच में नहीं जाने का, ये एनर्जी ड्रेनिंग। जिसको शर्म नहीं है ना, वो आदमी की बात नहीं कर रहा हूं, जिसको शर्म है उसकी बात कर रहा हूं, ये एनर्जी ड्रेनिंग एक्टिविटी नहीं है। कितने सारे साला अनवांटेड एनर्जी ड्रेनिंग सिचुएशन में हम लोग पड़ जाते हैं जहां पे साला बॉस अपनी जिंदगी में अपने ये लैंड के ऊपर, अपने ये बॉडी को मैं लैंड बोलता हूं, इसके ऊपर साला अपने अपने मर्जी से जो मनता है वो बोते जा रहा है। बोले संडे छुट्टी नहीं दूंगा तेरे को, सैटरडे काम करना पड़ेगा तेरे को, तेरे को मैं लीव नहीं दूंगा, तेरे को मैं साला अभी तेरे को मेहनत करना पड़ेगा, अभी तेरे को आना पड़ेगा, चल इधर जा, चल उधर जा, अपने को अंदर से आग लगती है, वो एनर्जी ड्रेनिंग सिचुएशन नहीं है।
कितने सारे लोगों को धंधा ऐसा करना पड़ता है, साला अपन पार्टी को पेमेंट देते जाके साला वहां पर बैठो 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 बैठो, वो एनर्जी ड्रेनिंग सिचुएशन नहीं है? ये सारी सिचुएशंस को साला अपनी जिंदगी से लात मार के निकालने का अपने को, समझ में आ रहा है? इसके लिए आरएमपी करना है। सोच के देखो अपनी जिंदगी, ऐसे रिलेशनशिप जो एनर्जी ड्रेनिंग है कि नहीं है? ऐसे वेंडर्स, ऐसे वर्कर्स, ऐसे दोस्त जिनके साथ में अपने को रिलेशन रखना पड़ता है, ऐसे लोग जो हर बार अपने को डीमोटिवेशन में देखना, हर बार अपने को डीमोटिवेट करते हैं, राइट रॉन्ग है? फिर भी छाला उन लोगों से अपने को रिलेशन रखना पड़ता है, राइट रॉन्ग है? क्यों? कि अपने पास वो फ्रीडम नहीं है, अपने को हमेशा डर लगता है कि साला जरूरत सबकी है। आज मैं फ्री हूं टोटली, मुझे एज अ पर्सन कोई समझने के लिए रेडी नहीं है, मेरे को भी जरूरत नहीं है भैया तेरे को समझने का, तू अपने काम धंधे पे लग, मैं अपने काम धंधे पे लगता हूं, बिकॉज आई एम फ्री। समझ में आया?